तो नीति शास्त्र के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे नीति शास्त्र के निर्धारक, ये पढ़ रहे थे, यहीं पर थे। कल एक लंबी डिबेट के बाद हम कंफ्यूजन में आज पहुंचे हैं कि नीति शास्त्र को कौन निर्धारित करता है। अभी हमें क्लियर नहीं है कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, इसका निर्धारक तत्व कौन है, यह हमें नहीं पता है। तो आज फाइनली आप समझेंगे कि सही गलत का निर्धारण वास्तव में करता कौन है। कल हमने बताया कि जो नीति है, जो आपके अंदर नैतिकता है, इसका विकास करने के बहुत सारे कारक हैं। पहला कारक मैंने आपको बताया था धर्म। धर्म हमें बताता है कि क्या उचित है क्या अनुचित है, इसके अनुसार हम जीने का प्रयास करते हैं और हमारे जीवन का एक बहुत अभिन्न हिस्सा प्रारंभ से ही धर्म के तौर पर जुड़ चुका है। इसने हमें बहुत सारी चीज़ें गाइड की है, मार्गदर्शित किया है, पथ प्रदर्शित किया है, सारा काम इसने किया। लेकिन मैंने अंततोगत्वा इसके दूसरे पक्ष में आपको ये बताया कि धर्म चूंकि सार्वभौमिक नहीं है, सभी का धर्म अलग अलग हो सकता है, उस आधार पे हम नैतिकता का निर्धारण नहीं कर सकते, क्योंकि किसी धर्म की मान्यताएँ कुछ और हैं और दूसरे धर्म की मान्यताएँ कुछ और हैं, कहीं ना कहीं पर जाके कन्फ्यूज हो गए। तो नैतिकता के निर्धारण में धर्म एकमात्र पहलू नहीं हो सकता है, ठीक। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी सामाजिक मान्यताएं। समाज, जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज की बहुत सारी मान्यताएं होती हैं और वो मान्यताएं हमें निर्धारित करने का, हमें मार्गदर्शित करने का प्रयास करती हैं कि हमें कैसे जीना चाहिए कैसे नहीं जीना चाहिए, क्या उचित है क्या अनुचित है। लेकिन फिर मैंने आपको ये भी बताया कि ये भी अलग अलग हो सकता है, जैसे जैसे समाज बदलेगा हर समाज की मान्यताएं बदल जाएंगी समय परिस्थिति के अनुसार। तो ऐसे में भी ये भी नैतिकता के निर्धारक का एकमात्र पहलू नहीं हो सकता है, ठीक। फिर हमने बोला कि कानून, राज्य के द्वारा बनाए गए कानून जो राजकीय कानून हैं, राजकीय कानून भी नैतिकता के निर्धारक के तत्व होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पे राज्य एक निरपेक्ष शक्ति होती है जिसके आदेशों को मानना हमारे लिए अपरिहार्य होता है। राज्य हमें बताता है कि ये चीज़ सही है और ये चीज़ गलत है, उसी हिसाब से हम सही गलत करते हैं। लेकिन फिर फाइनली हमने ये भी देखा कि कहीं ना कहीं पे ये एक बाह्य तौर पे हमारे ऊपर आरोपित शक्ति है, इससे हमारे अंदर से नहीं आता, हम एक दबाव में करते हैं किसी भी कार्य को, यदि वो कानून ना हो। और या फिर ये भी हमने बताया कि समय और परिस्थिति के अनुसार कानून अनुपयोगी भी हो जाते हैं, बदलते भी रहते हैं, उनका अमेंडमेंट भी होता रहता है। तो ऐसे में एक परिस्थिति में जब तक वो कानून है तब तक वो नैतिक है, कल के दिन वो अमेंड हो गया संशोधित हो गया तो दूसरी नैतिकता। तो ये भी नैतिकता के निर्धारक के एकमात्र तत्व के तौर पर हम नहीं देख पा रहे, ठीक, अभी भी हम कन्फ्यूज हैं। फिर मैंने आपको ये बताया कि अंतःप्रज्ञा, हमारी अंतरात्मा जो है हमें मार्गदर्शित करती है, निर्देशित करती है। जब भी हम कोई भी कार्य करते हैं, जो भी हम मानवीय एक्शन, हमारे मानवीय क्रियाकलाप होते हैं, तो उसमें हमारे अंदर से एक ऐसी नैतिक शक्ति होती है जो हमें बताती है कि ये चीज़ उचित है ये चीज़ अनुचित है। लेकिन हमने ये भी कहा कि ये व्यक्तिनिष्ठ होती है ना, ये व्यक्तिनिष्ठ होती है, सभी की अंतरात्मा, तभी तो मतभेद हैं। जो विचार मेरे हैं वो विचार आपके होंगे या नहीं होंगे पता नहीं। हमने ये भी यहाँ पर समझने का प्रयास किया, चूंकि अंतरात्मा का कार्य ये होता है कि किसी भी एक्शन के परिणाम आने से पहले ही वो किसी कार्य के सही और गलत को बता देती है, तो कहीं ना कहीं पे ये किसी कार्य के परिणाम का मूल्यांकन किए बिना ही आपको सही गलत का अनुभव कराती है ना। तो ये भी सही उचित नहीं होगा, जब तक हम किसी काम का रिजल्ट नहीं देखेंगे, उसका मूल्यांकन नहीं करेंगे, तो अंतरात्मा भी नैतिकता के निर्धारक का तत्व तो है लेकिन एकमात्र अकेला नहीं है। केवल हम अंतरात्मा के आधार पे ही किसी चीज़ को सही गलत माने तो हो सकता है किसी परिस्थिति में आपकी अंतरात्मा किसी चीज़ को गलत बोले और दूसरे की अंतरात्मा कुछ और बोल सकती है। तभी तो देख रहे हैं लोगों में इतने विचार, मैं सबके अलग अलग विचार हैं। कई बार हमारी अंतरात्मा कुछ बोलती है लेकिन हम उसे मानते ही नहीं, उसे पूरा भी नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी नैतिकता के निर्धारक का एकमात्र तत्व नहीं है। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि जो हमारे दार्शनिक हैं, बहुत सारे विचारक हैं, बहुत सारे दर्शन हैं, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे जैन दर्शन हो, चाहे वो चवार्क दर्शन हो, बहुत सारे भारत के जो धर्म हैं दर्शन हैं वो भी हमें प्रयास करते हैं। महान नेता, बहुत सारे महान नेता हैं, बहुत सारे समाज सुधारक हुए हैं, जिन समाज सुधारकों के वक्तव्य भी हमें बताते हैं कि ये चीज़ उचित है ये अनुचित है, इसका भी प्रयास हम। तो लेकिन कहीं ना कहीं पर इनमें भी कॉन्फ्लिक्ट है, कई दर्शनों में आप देखेंगे जैनिज्म और बौद्धिज्म में कॉन्फ्लिक्ट है,
एक कह रहा कि पुनर्जन्म होगा, एक कह रहा पुनर्जन्म जैसी कोई बात ही नहीं, एक कह रहा आत्मा है, एक कह रहा आत्मा ही नहीं है, है ना। एक कह रहा है कि अहिंसा जो होनी चाहिए एक्सट्रीम लेवल पे होनी चाहिए, एक दर्शन कह रहा है कि चाहे ऋण लेकर के भी जो कार्य करना हो करो, मस्त रहो, ऋण लेना भी गलत नहीं है। तो कहीं ना कहीं पे दर्शनों में भी हमें बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट दिख रहे हैं। तो ऐसे में नैतिकता के सही और गलत के निर्धारण में हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं। नैतिकता मतलब उचित और अनुचित, इसका निर्धारण करना ही नैतिकता है, क्या सही होगा क्या गलत होगा। तो फाइनली अब आप जिस कंडीशन में बैठे हैं, आप क्या हो चुके हैं, पूरी तरीके से कंफ्यूज हो चुके हैं, आपको नहीं पता कि नैतिकता का निर्धारक है क्या। तो आज इस कंक्लूजन को हम लोग क्लियर करने का मेरा प्रयास ये रहेगा कि आपको मैं समझा पाऊँ कि कैसे हम नैतिकता का निर्धारक करें, ठीक है। अब आज ये हम लोग जानने वाले हैं, आज ही इथिक्स की क्लास है, ये मान के चलिए। अब इथिक्स को समझेंगे आप कि ये आपके साथ कैसे काम करेगी। बहुत आसानी से दो तीन चीज़ों पे ही हम बात करेंगे, बेसिक्स पे, और आपको विद एग्जांपल मैं प्रयास करूँगा कि आप चीज़ों को समझ जाए, ठीक। अभी तक इथिक्स के बारे में मोटी मोटी बात थी, बताइए आप लोग थोड़ा सा पहले इस पर थोड़ा डिस्कशन हो जाए, कुछ चर्चा पर चर्चा आप करें, फिर नैतिकता के निर्धारण पे। लाइव ऑफलाइन में बहुत सारे लोग कल अनुपस्थित थे, आज उपस्थित दिख रहे हैं, आज संख्या पूरी है यहाँ पर भी। चलिए कोई नहीं, बताइए भाई, बताइए क्या हो सकता है, नैतिकता का निर्धारण कैसे करना चाहिए हमें, हाँ कैसे देखना चाहिए, स्वाविवेक होना चाहिए। अच्छा स्वाविवेक, फिर वही बात आप आ गई, सबका स्वाविवेक अलग अलग हो जाएगा तो फिर नैतिकता का निर्धारण कहाँ हो पाएगा। आपके विवेक से देखो, एक मूवी थी, कौन सी मूवी थी, रण मूवी थी शायद, जिसमें मनोज वाजपेयी है, उसमें जो विलेन है वो कहता है कि मैं संविधान को नहीं मानता हूँ, क्यों, कुछ लोगों ने मिल करके संविधान सभा में बैठ कर कागज़ का एक पन्ना बना दिया, मैं अपना संविधान खुद बनाता हूँ, ठीक है। तो कई बार होता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें जिनके खिलाफ आके खड़े हो जाएंगे, आपको लगेगा ही नहीं कि इसकी बात सही है। मान लीजिए मैं कोई रूल रेगुलेशन बनाऊँ, आप अपने नियम बना के चलें, आप उनको एक्सेप्ट ही ना करें, तो स्वाविवेक सबका अलग अलग हो सकता है, ये सार्वभौमिक नहीं है, नैतिकता का निर्धारण नहीं करेगा। आपको क्या लगता है आतंकवादी के पास स्वाविवेक नहीं है, है? फिर आप कहोगे कि वो अनैतिक है, वो कह रहा है मैं नैतिक हूँ। हाँ जो समाज और राष्ट्र के हित में हो, जो समाज और राष्ट्र के हित में है वो नैतिक होगा, ये उचित होगा। बताइए समाज और राष्ट्र के हित में क्या होगा, एग्जांपल दीजिए, कोई एक एग्जांपल दीजिए। जैसे कि गलत काम ना हो किसी चीज का, गलत उपयोग ना हो किसी भी नियम का। गलत से मतलब क्या है आपका, अभी आपको लग रहा है किसान आंदोलन है, राज्य के द्वारा एक कानून बनाया गया और उस कानून को आप लोगों को दिया गया, आप मान नहीं रहे हैं, तो ये बताइए वो तो राज्य के हित में होगा, तभी राज्य ने बना के दिया होगा। अब आप ही लोग जब सब लोग इकट्ठे हैं एक एक डेढ़ डेढ़ महीने से, CNRC का बिल था, राज्य के खिलाफ लोग खड़े हो गए, बोले कि नहीं हम नहीं मानेंगे, इसे विरोध करेंगे, ऐसे तो फिर विरोध प्रदर्शन खत्म हो जाने चाहिए आपके हिसाब से, तो है ना। आर्टिकल 19 स्वतंत्रता का अधिकार, अभ्यक्ति की स्वतंत्रता को समाप्त कर देते हैं। तो संविधान देखो, संविधान हमारा कैसा है, प्रगतिशील संविधान बनाया गया, क्यों 104 अमेंडमेंट हो गए, 104 अमेंडमेंट उसमें हो रहे हैं, फिर आप वहीं पे बात आ गए, क्या ये नैतिकता का निर्धारण है, राजकीय कानून, संविधान एक राजकीय कानून है। कल के दिन ऐसा भी हो सकता है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली आए और आकर के एक नया संविधान बना दे, फ्रांस में 5 बार संविधान बना है, नेपाल में अभी बनता है कुछ दिन बाद, फिर नया आ जाता है, फिर बनता है, अभी फाइनली एक्सेप्ट किया उन्होंने। तो संविधान भी एक प्रगतिशील है, अमेंडमेंट हो चुके हैं हमारे संविधान में, 104 अमेंडमेंट हो चुके हैं। संविधान हमें दिशा निर्देशित करता है, ठीक है, हमारा संविधान हमें दिशा निर्देशित करता है। विश्व में अन्य देशों के अलग अलग संविधान है, तो क्या फिर ये नैतिकता का निर्धारक हो सकता है। चीन में तो लोकतंत्र है ही नहीं, निरंकुश लोकतंत्र है वहां पे, अभ्यक्ति की स्वतंत्रता, आपको पता है जैकमा 2 महीने से गायब है क्यों गायब है, राष्ट्र के खिलाफ उन्होंने कुछ बातें कही। अब चीन का सबसे बड़ा उद्योगपति है ना,
अब 40 चोरों के साथ पता नहीं कहाँ है। तो आप समझिए चीजें कैसे समय और परिस्थिति के अनुसार आप इसको इस तरीके से नहीं देख सकते। नैतिकता का निर्धारक में चीजें सार्वभौमिक हों तब हम नैतिकता के निर्धारण, या फिर कहें कि भाई यहाँ पे हाँ अब कुछ दिमाग लगाया आपने, इन्होंने एक शब्द प्रयोग किया परिस्थिति, ये बात थोड़ा समझ में आ रही, सिचुएशन। नेक्स्ट और बताइए, एक चीज तो समझ में आ गया, सिचुएशन यानी कि कार्य करने की परिस्थिति नैतिकता के निर्धारण में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर रही है। मैंने आपको क्या बताया था कि कई बार कानून आपको अनुमति नहीं देगा उस कार्य को करने की, लेकिन आपको वो कार्य करना पड़ेगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको दिया था कि रास्ते में कोई व्यक्ति जिसका एक्सीडेंट हो गया हो, है ना, जिसका एक्सीडेंट हो गया हो और फाइनली आप भी गुजर रहे हैं, आप उसको अपने साथ लेकर के हॉस्पिटल तक ले जाते हैं, है ना, लेकिन उस व्यक्ति ने जिसका एक्सीडेंट हुआ है ना तो वो हेलमेट लगाए हुए है। तो कानून तो कहता है कि यदि बाइक में बैठ रहे हो चल रहे हो तो दो लोग दोनों हेलमेट के साथ चलने चाहिए, लेकिन अब आप तो बिना हेलमेट के ले गए उसे, या तो आप इंतजार करते कि एक हेलमेट खरीद के लाते, या किसी से रोकते मांगते वो करते, या फिर आप भी बिना हेलमेट के बैठे हैं। तो परिस्थितियां अलग हैं परिस्थितियों का। अब मैंने एक आपको एग्जांपल और बताया था कि आप कई बार जो है चीज़ों को सही करने में गलत कार्य कर रहे हैं, न्यूनतम क्षति की ओर यदि आप जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, ठीक है। अब वहीं पे सिचुएशन यदि पलट दी जाए कि आप उस मरीज को लेकर के हॉस्पिटल जा रहे हैं और रास्ते में एक एक्सीडेंट और हो जाता है और वो मर जाता है पूरी तरीके से, क्यों, सर पे चोट लग गई, तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा, आप होंगे, क्योंकि बाइक में आप उसे लेके गए और लेके जाने के बाद क्या हुआ, यदि हेलमेट लगाए होता तो। परिस्थिति सिचुएशन वो बताएगी कि वो उस परिस्थिति में अपने आप अनैतिक हो गए, यही होता कि भैया वहीं पड़ा ही रहता तो ज्यादा अच्छा रहता। तो नैतिकता के निर्धारक के तीन महत्वपूर्ण आयाम हैं, तीन चीजें हैं जो हर परिस्थिति समय और कार्य के हिसाब से बदलेंगी। अब समझिए नैतिकता का निर्धारण कैसे करेंगे, नीति शास्त्र कैसे इसको, नैतिकता क्या है, मैंने आपको बताया था कि नीति शास्त्र का काम है उचित और अनुचित को बताने का प्रयास करना, और जो व्यक्ति आचरण करता है वो आचरण नीति शास्त्र का आचरण, जब इसे आप व्यवहार में लाते हैं, इसका व्यवहारिक पक्ष नीति शास्त्र सैद्धांतिक पक्ष और नीति शास्त्र का व्यवहार ही नैतिकता है, समझ रहे हैं। आप नीति शास्त्र जानते हैं यानी आप उचित अनुचित को जानते हैं, ठीक, लेकिन उसे व्यवहार में ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं। जैसे मान लीजिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश जो दिया तो क्या उपदेश था, क्या वो नीति शास्त्र था या नैतिकता था, वो नीति शास्त्र था। कृष्ण ने भगवत गीता में नीति शास्त्र बताया कि तुम्हें ये करना चाहिए, और अर्जुन ने जो किया पूरा युद्ध लड़ा वो नैतिकता था। समझ पाए कि नहीं समझ, बेसिक डिफरेंस बहुत आसान भाषा में। मैं आप लोगों को यहां पे पढ़ा रहा हूं, माता पिता आपसे बोलते हैं कि बेटा पढ़ना चाहिए आप लोगों को, अब आप ये तो हो गए नीति शास्त्र, यदि आप पढ़ रहे हो तो ये नैतिकता हो गया, समझ रहे हो। हम बच्चों को समझाते हैं कि बेटा ये नहीं करना चाहिए, है ना, आग को पकड़ोगे तो जल जाओगे, और यदि नहीं पकड़ा तो हम नैतिक हो गए, नैतिकता पे ले आए, व्यवहार पे ले आए उसी बात को। जब हम किसी भी बात को व्यवहार पे ले आते हैं तो वो नैतिकता बन जाती है, और जो बात हमें बताती कि क्या करना चाहिए वो नीति शास्त्र होता है। नीति शास्त्र का काम है सिर्फ बताना उचित अनुचित का, उसे आचरण को, उसके आचरण को हम नैतिकता कहते हैं, बहुत आसान बेसिक डिफरेंस, ठीक है। आचरण नैतिकता मोरालिटी है, अब यह हर व्यक्ति में अलग अलग हो सकती है, जो जितना नीति शास्त्र के आयामों को पालन करेगा जिस आधार पे करेगा। तो अब बात कर रहे हैं इसके निर्धारक की, इसके निर्धारण की बात कर रहे हैं, इसका निर्धारण कैसे करेंगे नैतिकता का। तीन चीजें हैं, तीन चीजों को लिखेंगे। पहला, आप जो कर्म कर रहे हैं, जो भी आप आचरण में ला रहे हैं, इसे जो भी कर्म कर रहे हैं उस कर्म का उद्देश्य क्या है, यानी उसका ऑब्जेक्ट क्या है उस कर्म का। उद्देश्य मैंने आपको बताया था सापेक्ष निरपेक्ष शुभ है या सापेक्ष शुभ है। सापेक्ष शुभ आपका साधन साध्य वाली बात है, कल हमने साधन साध्य विवाद भी पढ़ा था। तो कहने का मेरा मतलब है आपका उद्देश्य क्या है, क्या उद्देश्य उसमें निरपेक्ष शुभ है या नहीं है। निरपेक्ष शुभ समझ रहे हैं,
जिसका परिणाम अच्छा हो, जो अच्छे की तरफ ले जाए, जो उचित की तरफ ले जाए, जो बेहतर की तरफ ले जाए। जैसे इन्होंने बोला राष्ट्र का समाज का हित हो, हमें ऐसे मूल्य धारण करने हैं जिसके मूल्यों के कारण से राष्ट्र का समाज का उत्थान हो। ठीक है, बहुत आसान है, देखो इसमें बहुत क्रिटिकल नहीं करते। तो आपके कर्म का उद्देश्य क्या है और उसके परिणाम क्या है, और उसके परिणाम क्या है, उसका रिजल्ट क्या है, उसका इंपैक्ट क्या है। ठीक, अब मान लीजिए यहां पे उद्देश्य की बात है। कल मैंने एक एग्जांपल आप लोगों को दिया था कि हमारा उद्देश्य है कि गरीबों की मदद हो। ठीक है, हमारी उद्देश्य है हमें गरीबों की मदद करनी है। तो मदद करने का तरीका क्या हो सकता है, आप कुछ अर्न करें या तरीके से लोगों से डोनेट करवाएं और डोनेट करके उसको मदद कर दें। आप एक चैनल क्रिएट कर दें, ठीक है, अपने माध्यम से मददगार बन जाए लोगों की। या फिर एक तरीका और हो सकता है क्या हो सकता है, कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा कट्टा लेना है और ले करके किसी की दुकान में घुस जाना है, पूरा गुल्लक खाली करा लाना है, उससे भी मिलेगी आपको अर्निंग। यही हो रहा है, नक्सलवादी तो यही कहते हैं। या फिर जो हमारे तो तरीका है, एक गांधी का तरीका है, एक मार्क्स का तरीका है, या तो हिंसा का सहारा ले ले, ऑब्जेक्ट दोनों के सेम है। अब देखो यहां पे एक बहस निकल सकती है, क्रांतिकारी वर्सेस गांधी। कई बार हम कहते हैं हम नैतिकता के पैमाने पे दोनों के ऑब्जेक्ट उद्देश्य क्या थे, आजादी, स्वतंत्रता। दोनों का साधन साध्य की पवित्रता की बात थी कि आपका अब साधन क्या है ना। एक तरीका और हो सकता है, मान लीजिए आप लोग किसी को किडनी की जरूरत है, किडनी ट्रांसप्लांट करानी, मान लो आपके परिवार में कोई, एक ब्रीथ देखा है ना आप लोगों ने, ब्रीथ एक वो आई है, क्या नाम है, वेब सीरीज है, हाँ उसी पे आधार पे मैं आपको भी एक केस स्टडी है। उसमें उसकी बेटी को किडनी चाहिए होती थी, हार्ट का रहता है किडनी का, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, हाँ कोई एक ऑर्गन है, क्रिटिकल ऑर्गन है जो मिलता नहीं है आमतौर पे, जो डोनेट करने के लिए आपको लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अब उसकी बेटी का लिस्ट में पांचवा नंबर था, यानी उससे पहले पांच लोग थे, ऊपर के पांच लोग थे जिनको पहले वो, यदि ऑर्गन ट्रांसप्लांट उनका होता तो फिर उसकी बेटी का नंबर आता। ठीक है, तो तरीका यही होता कि जब नंबर आता तब करवा लेता, एक तरीका ये होता, उसको तो बचाना, उसका उद्देश्य है कि मेरी बेटी बच जाए, लेकिन उसके पास समय नहीं रहता, समय बहुत कम होता है, तो वो करता क्या है, एक एक लोग को मारना चालू करता है। जैसे पांच डोनर है, ठीक है, पांच डोनर है, उसे पता है कि जब पांचवा डोनर मरेगा तो फिर मेरी बेटी को मिलेगा, तो क्या करता है, पहले डोनर को मारता है, दूसरे डोनर को मारता है, तीसरे डोनर को मारता है, चौथे डोनर को मारता है और पांचवें डोनर को मारता है, तब तक पकड़ भी जाता है लेकिन चार डोनर को निपटा देता है। तो अब यहां पे देखिए इथिक्स को यदि देखें तो ये तो बच गया, इसको तो मिल गया, पहली वाली लिस्ट क्लियर हो गई, ये बच गया, ये बच गया, ये बच गया, यानी चार जान तो इसने बचा ली, लेकिन चार जान ये नैतिक हुआ कि अनैतिक, कैसे अनैतिक हो गया, चार बचाई तो हाँ, कैसे वाली ज्यादा हो गई, क्या ऑर्गन डोनेशन इनकी संकल्प की स्वतंत्रता के आधार पे हुआ है? मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि जब भी हम नैतिकता का अनुपालन करेंगे, जब देखेंगे कि कोई भी चीज नैतिक या अनैतिक है, तो क्या वो कार्य दबाव से तो नहीं कराया गया? इन्होंने ऑर्गन डोनेशन तो अपने उससे किया था, मर्जी से, लेकिन इनका ऑर्गन क्या, इनकी जो मृत्यु थी प्राकृतिक मृत्यु थी, समझ रहे हैं बात को, इस बात को समझना बहुत जरूरी है, इसलिए ये पूरा का पूरा अनैतिक हो जाएगा, आपका अनइथिकल हो जाएगा। और उस व्यक्ति ने एक को बचाने के चक्कर में चार को मार दिया। जरूरी यह भी नहीं है, मेडिकल साइंस कहता है ऑर्गन ट्रांसप्लांट होने के बाद ये तो जिंदा ही थे, जरूरी है नहीं, इसने चार बीमार लोगों में ऑर्गन, वो हो सकता है ऑर्गन फेलोर भी हो जाए, उसकी भी गारंटी नहीं वो कितने लंबे तक चल सके। तो यहां पे न्यूनतम क्षति का सिद्धांत है ना। तो हम कर्म का उद्देश्य और परिणाम, उसका रिजल्ट पहले तो ये देखेंगे, जब भी हम नैतिकता का निर्धारण करने जाए, केस स्टडी में सब काम आएगा आपको,
आपको देखना है कि जो कार्य आप कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य क्या होना चाहिए? निरपेक्ष शुभ। ये बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए, हमेशा आपका उद्देश्य निरपेक्ष शुभ होना चाहिए, निरपेक्ष शुभ ही होना चाहिए। ठीक। अभी जैसे कल एक घटना घटी मुरादनगर में, पता है आपको 27 लोगों की मौत हो गई। एक शमशान घाट था, शमशान घाट में लोग अंतिम यात्रा के लिए जाते हैं जब कोई खत्म हो जाता है। अचानक बरसात का मौसम था, आपको पता है, एक उस पर छत थी, लेंटर था, उस लेंटर पे लोग सोख के लिए 5-10 मिनट के लिए रुकते हैं। उसी टाइम पे घटना हुई, पूरा लेंटर ढह गया, लोग खत्म हो गए। अब उसमें पूरी एक चेन रही होगी बनाने वालों की, उसमें कोई कॉन्ट्रैक्टर रहा होगा, जेई रहा होगा, पैसा जहां से पास हुआ होगा, हो सकता है 1 करोड़ का प्रोजेक्ट रहा हो। कहते हैं 1 करोड़ के प्रोजेक्ट में 45 लाख ही खर्च किए गए, 55 गायब कर दिए गए। समझ रहे हैं बात को? अब यहां पे नैतिकता का निर्धारण कैसे होगा? हो सकता था, उन्होंने तो यही सोचा होगा ना कि बना दिया अब चल जाएगा, 20-25 जितनी एक एज होती है इसकी प्रॉपर, चल जाएगा इतना। ये तो उन्होंने सोचा नहीं रहा होगा कि कोई इंटेंशन, उनका क्या इंटेंशन था कि ये गिरेगा और लोग मरेंगे, क्या इंटेंशन था उनको? क्योंकि पता है कि कल के दिन फिर फंसेंगे, बोल इंटेंशन था कि नहीं था? क्या वो नॉलेज में था उनके कि यदि इसको कमजोर बनाएंगे तो गिरेगा? ये तो नॉलेज होगी ना। अब ये है, इसके यदि हम पिलर कमजोर कर रहे हैं, यहाँ पे सीमेंट कम लगा रहे हैं, यहाँ पे मोरम कम लगा रहे हैं, यहाँ पे हम जो आपको भी पता होता है, जब आप सामान खरीदने जाते हैं तो आप जाएंगे तो दोनों चीज दिखाता है कि भैया लोकल है, इसकी वारंटी 0 है, और ये आपका है 2 साल की वारंटी के साथ है, तो एक के पैसे ज्यादा एक के पैसे कम है। तो आपको तो ये नॉलेज में है ना कि ये ले जाऊंगा या तो चल गया तो 4 दिन, नहीं तो, समझ रहे हैं ना? तो ये तो उनको भी नॉलेज में था ना कि जो सामग्री लगा रहे हैं, जो सामान यूज हो रहा है, किसी भी दिन कुछ भी घटना घटेगी, हो जाएगा, और घटना घट गई। सोचा नहीं, उनका उद्देश्य, उनका इंटेंशन नहीं था ऐसा, लेकिन उनको नॉलेज में था कि ये चीज हो जाती। इंटेंशन मतलब समझते हैं क्या होता है? समझते हैं कि नहीं समझते हैं? इंटेंशन 4 प्रकार का इंटेंशन होता है, मैं 4 प्रकार का इंटेंशन आपको समझाऊंगा जी। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है अपराध करने में। इंटेंशन आपकी एक मानसिक अवस्था है, इसको मापा नहीं जा सकता, इसका पैरामीटर बनाया ही नहीं गया है, ये प्रमाणित होगा आपके कर्म से। ठीक है, तो चलिए मैं इसी को बता रहा हूं। ये 3 चीजें हैं जिसमें से एक इंटेंशन सबसे इंपॉर्टेंट है। आपका इंटेंशन भी होना चाहिए, बिना उसके काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो पहला है आपका कर्म, उद्देश्य और परिणाम। ये हम देखेंगे पहले 3 चीजें, तब हमें केस स्टडी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही देखना है। लेकिन आपका उद्देश्य हमेशा निरपेक्ष शुभ होना चाहिए। ठीक, क्लियर। दूसरा है आपका कार्य करने की परिस्थिति, कार्य करने की, जैसे इन्होंने बताया था सिचुएशन, तो कार्य करने की सिचुएशन क्या है आपकी, परिस्थिति। ठीक, आप सिचुएशन जरूर देखेंगे, बिना सिचुएशन के कोई भी केस को सॉल्व नहीं करेंगे। जैसे ही परिस्थिति, हो सकता है एक ही सिचुएशन में वही चीज सही हो, दूसरी सिचुएशन में वही चीज गलत हो। ठीक है, परिस्थिति के अनुसार चीजें बदल जाएंगी। ठीक, तीसरी चीज भावना, भावना मतलब इंटेंशन। ये 3 चीजें ही नैतिकता का निर्धारण करता है। परिस्थिति का मतलब, परिस्थिति में बहुत सारी चीजें आती हैं। ठीक है, तो कुछ चीजें लिखते भी चलते हैं और साथ साथ समझते भी चलते हैं। लिखिए, समाज में रहने, मैंने हेडिंग क्या डलवाई थी, नैतिकता के निर्धारक। लिखिए, समाज में रहने वाले सामान्य मानव के, समाज में रहने वाले सामान्य मानव के ऐच्छिक कर्मों का उचित और अनुचित रूप से निर्धारण करना, समाज में रहने वाले सामान्य मानव के ऐच्छिक कर्मों का उचित और अनुचित के रूप में निर्धारण करना एक जटिल प्रक्रिया है। नैतिकता के निर्धारण का कोई निरपेक्ष आधार नहीं है। उचित और अनुचित का निर्धारण करना एक जटिल प्रक्रिया है। नैतिकता के निर्धारण का कोई निरपेक्ष आधार नहीं है, निरपेक्ष आधार नहीं है,
नैतिकता के निर्धारण में निम्न परिस्थितियों को ध्यान में रखना चाहिए। निम्न परिस्थितियों को ध्यान में रखना चाहिए। नंबर एक, पहला है कर्म का विषय एवं परिणाम। कर्म का विषय एवं परिणाम, कर्म का विषय एवं परिणाम, ठीक। कर्म का विषय क्या होना चाहिए? अच्छा। परिणाम क्या होना चाहिए? अच्छा, ठीक है। विषय भी अच्छा हो और परिणाम भी अच्छा हो, दोनों चीजें अच्छी होनी चाहिए। पहले तो हमें यह हमेशा ध्यान रखना है, ठीक। दूसरा है आपका कार्य करने की परिस्थिति। दूसरी चीज हमें ध्यान रखना है, कार्य करने की परिस्थिति। तो जब भी आप कोई भी कार्य करते हैं तो कार्य परिस्थिति के अनुसार करते हैं। परिस्थिति जैसे, जैसे अभी आप लोगों ने गर्म कपड़े पहन रखे हैं, क्यों? परिस्थिति, परिस्थिति के कारण। अभी आप दक्षिण भारत में बैठे होते, स्थान दूसरा होता, वहाँ पे तापमान दूसरा होता, कपड़े बदल जाते, है ना? आपके समय, परिस्थिति, स्थान के अनुसार कपड़े, आपका बोलचाल, आपकी भाषा, आपका पहनावा सब बदलता है। जो भाषा का प्रयोग आप दोस्तों के साथ करते हैं, क्या वो आपके माता पिता के साथ करते हैं? नहीं करते। क्यों? परिस्थिति बदल गई। व्यक्ति आप एक ही हैं, व्यक्ति आप एक ही हैं, लेकिन समय परिस्थिति के अनुसार आपके एक्शन अलग अलग हैं, ठीक है। तो आपकी परिस्थिति कैसे कैसे हो सकती है? आप एक विशेष स्थान में अलग तरीके से रिएक्ट करेंगे, वही रिएक्शन दूसरे स्थान में अलग हो जाएगा, ठीक। इसके बाद समय के अनुसार भी आपकी परिस्थिति बदल जाएगी। तो हमें जब भी एक नैतिकता का मूल्यांकन करना है, उचित अनुचित का मूल्यांकन करना है, तो हमें सिचुएशन को ध्यान में रखना है। तीसरा है आपका प्रवृत्ति या उद्देश्य, प्रभाव, भावना या उद्देश्य, भावना, भावना या उद्देश्य, भावना या उद्देश्य, भावना या उद्देश्य, ठीक है। अब मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक मान लीजिए कोई आतंकवादी है, ठीक है, और हिंडन नदी के पास आ गया हमारे गाजियाबाद में, हमें जानकारी, हम भी वहीं पे हैं, ठीक है, और उसने खूब तबाही मचाई। ईश्वर न करे कभी गाजियाबाद में ऐसा हो, तो उसने खूब तबाही मचाई और अंततोगत्वा, चूंकि उसे तो मरना ही था, उसी उद्देश्य से आया था कि लोगों को मारना है, भय का वातावरण पैदा करना है और मुझे निपट जाना है, तो हिंडन नदी में कूद जाता है, ठीक है, कूद जाता है। यानी वो एक अपराधी है और अपराधी की स्थिति में वो कूद गया। तो हमारा तो यही, हमें क्या करना चाहिए उस अवस्थिति में? मरे है तो अपराधी है, इसे मरना ही चाहिए। या फिर ये कैसे सिचुएशन बदलते हैं, ये तो एक उसके मेंटेलिटी हो गई, उसके दिमाग की मेंटेलिटी हो गई कि मैं कूद जाऊंगा, इसके बाद ख़त्म हो जाऊंगा, उसकी मेंटेलिटी है, ठीक है। मान लो सिचुएशन बदलता हूं मैं, उसे तैरना नहीं आता लेकिन अचानक वो हिंडन में गिर जाता है और वो तैर नहीं पा रहा है, डूबने से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, आप वहीं पर खड़े हैं और आपको पता है अपराधी है, कितने लोगों को मार के आया है, आप ये भी जानते हैं, लेकिन अब वो डूब रहा है, बचना भी चाहता, चिल्ला रहा है आपसे कि बचाओ 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 बचाओ। अब आप उसे डूबने देंगे या बचाएंगे? डूबने देंगे, क्यों? रुक जाए, एक 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 मैं अभी इस पर लंबा डिस्कशन चलेगा। हाँ बताएं। अच्छा, कैसे? मतलब वही काम कैसे करेगा? अच्छा, मतलब बाहर निकलते पहली गोली आपको मारेगा, शूट करेगा, तो आप बचने के चक्कर में कि भाई इसके साथ इसको बचाने, मतलब मुझे भी मैं मार सकता है, आपका ये पक्ष है। दूसरा आप क्या कह रहे हैं? हाँ, अच्छा, उसका परिवर्तन, हृदय परिवर्तन हो जाएगा। अरे वाह, मतलब एक बार जैसे ही वो नदी में गिरा और उसकी अपनी जान की आफत आ गई तो वो दूसरे की जान की वैल्यू समझने लग जाएगा। और नेक्स्ट देखो, अब आप लोग की अंतः प्रज्ञा। कानून के हिसाब से कह रहे हैं कि पहले उसको हम बचाएंगे, ये हमारी नैतिकता है। जैसे ये बोल रहे हैं, डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर तो उसका इलाज ही ना करे फिर,
आप जैसे बोल रहे थे कि उसकी प्रवृत्ति ऐसी है तो डॉक्टर को तो इलाज करने से मना कर देना चाहिए उसे अस्पतालों में। डॉक्टर की नैतिकता अलग है, आपकी नैतिकता अलग है। यानी आपको तैरना आता था, आपकी नैतिकता यह है कि डूबने दो। डॉक्टर की वो यदि इलाज करने आता है तो उसकी नैतिकता है कि वो इलाज कर दे। यहाँ पे आपने नैतिकता बदल दी भाई। एक दफे ये होता, यदि हम यहीं पे सिचुएशन ये देते कि आपको भी तैरना नहीं आता तो फिर आप क्यों कूदेंगे? मूर्ख हैं क्या? फिर आपको बचाने कौन आएगा? फिर दो चिल्ला रहे हैं वहां से, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। तब तो यहाँ पे सिचुएशन बदल गई। अब मुद्दा यहाँ पे ये है कि देखो, आपको पता है सामने वाला अपराधी है, लेकिन अब इससे आप खुद समझिए, कहीं ना कहीं पे ये जो है पूरे अभिप्राय को, यदि वो व्यक्ति मर गया, क्यों जिंदा अपराधी पकड़ा जाता है? क्यों जिंदा अपराधी पकड़ा जाता है? अपराधी को जिंदा पकड़ने का प्रयास ज्यादातर क्यों किया जाता है? क्योंकि जिंदा पकड़ने से जब उसका इन्वेस्टिगेशन होता है तो अभिप्राय पूरा हो जाता है। हो सकता है उसकी जानकारी में आगे आने वाली कितनी घटनाएं हों, अगले टारगेट आप ही हों, और उसको आपने यदि पकड़ के दबोचा, कानून के सहारे कर दिया तो आप बच गए। कितने लोग आपके साथ और बच गए, लेकिन आपने क्या किया? उसे डूबते हुए मरने दिया। यानी कि उसी के दिमाग में वो जितनी घटनाएं उसको पता थी वो सारी दब गई। आप लोगों ने एक मूवी देखी है, हॉलीडे है शायद, मेरे ख्याल से हॉलीडे है, जिसमें स्लीपर सेल्स को दिखाया गया है कि हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमें पता नहीं है, हमारे बीच के लोग हैं। हो सकता है आपके पड़ोस में रह रहा हो सकता है हमारे यहाँ तो कोई नहीं भाई। स्लीपर सेल्स ये आतंकवादी विचारधारा से प्रेरित लोग होते हैं जो इनएक्टिव फॉर्म पे आपके आसपास रह रहे हैं। आपको लग रहा है हमारे पड़ोसी हैं, लेकिन जब इनको ऊपर से आदेश आते हैं तो ये एक्टिव हो जाते हैं और गतिविधियों को अंजाम देते हैं। तो हॉलीडे में अक्षय कुमार है शायद मेरे ख्याल से, वो आता है और स्लीपर सेल्स को पकड़ता है, उसे जिंदा रखता है, और उसके माध्यम से कितने स्लीपर सेल्स को पता करता है। स्लीपर सेल्स को पता नहीं, उनको सिर्फ एक पर्टिकुलर टारगेट दिया, तुम्हें यहाँ पहुँचना, उसके आगे का उसे नहीं पता होता। बस वो वहाँ पहुँच जाएगा, उसके आगे का दूसरा होगा, वो एक पूरा एक चेन है। और कहते हैं बड़े स्तर पर पूरे इंडिया में क्या वर्ल्ड में फैले हुए, जब इनको आदेश आते हैं उसके बाद ये कनेक्ट कर जाते हैं। ठीक है, तो यदि वो उस गतिविधि से रहा तो फिर अब ये कूदेंगे बचाने के लिए। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि कर्मों के आपके दो परिणाम देखने हैं, कर्मों के दो परिणाम। एक तत्कालिक परिणाम, तत्कालिक परिणाम उसका यह है कि डूबते हुए को बचाना, तत्कालिक परिणाम। दूरस्थ परिणाम, उसके बचाने के कारण से कितने लोगों की जान बचाना, दूरस्थ परिणाम। आपको नैतिकता के निर्धारण में दोनों चीजों को देखनी पड़ेंगे, तत्कालिक प्लस दूरस्थ। आपका कर्म, कई बार क्या होता है, हम तत्कालिक लाभ के लिए दूर का नुकसान कर देते हैं, होता है कि नहीं होता? ठीक है, जैसे जैसे किसने किया, ये मुरादनगर वालों ने कर दिया, तत्कालिक लाभ, घूसखोरी में पैसा मिला, बाटा बंदर बाट किया। दूरस्थ परिणाम उसका क्या आया, इस रूप में भुगतना पड़ा। तो कई बार आपको तत्कालिक लाभ बहुत बड़ा दिखेगा, बट उसका रिजल्ट बहुत भयानक होगा। बड़े बड़े पुल गिर जाते हैं, बड़े बड़े, ये क्या है, दूरस्थ परिणाम। इन्होंने देखा ही नहीं कि कितने लोगों की जान जाएगी, और इसमें ये नहीं बचेंगे, ये भी नपेंगे ही नपेंगे। मान लीजिए, मैं आपको एक चीज और बताता हूं। मान लीजिए आप कॉरपोरेट फर्म से हैं, आपका कोई बिजनेस है, ठीक है, ठीक है, और जब आप हर साल कॉरपोरेट टैक्स भरते हैं तो आपको मान लीजिए 10 लाख रुपए कॉरपोरेट टैक्स भरना है, ठीक है। आपने क्या किया कि इस तरह से जुगाड़ करके कि भाई इसको कम करवाओ, किस तरह से लीगली, इलीगल नहीं, लीगली, आपने इसको बहुत सारी एक्सपेंसेस दिखा के, बहुत सारे खर्चे दिखा के इसे 4 लाख रुपए भरा लीगली, कानून की नजरों में 6 लाख रुपए आपने बचा लिए अपने, ठीक है। ये क्या हुआ, 6 लाख आपका तत्कालिक लाभ मिल गया आपको। कल के दिन आपके ऊपर इनकम टैक्स का छापा पड़ता है, स्क्रूटनी में आपकी फाइल आती है, और इसके बाद देखो, जब जितने दीवानी राइट्स होते हैं, एक तो होता है, दो तरीके के केस होते हैं, एक फौजदारी और एक आपके सिविल या दीवानी। दीवानी पैसे रुपए का मामला है, पैसे रुपए से ही ये मामला निपटाया जाता है। कल के दिन जब आप कभी टैक्स चोरी करें, कुछ नहीं,
इनकम टैक्स तो आपसे कोई लेना देना नहीं, वो आपके पास आएंगे, आपको एक नोटिस चस्पा करेंगे, आपको बताएंगे भैया इतना पैसा बनता है, इतनी ब्याज बनती है, सारा मिला के भर दो, हम कोई जेल वेल में नहीं डालने वाले आपको। समझ रहे हो, पैसे का मामला पैसे के देनदारी से ही खत्म होता है, चाहे जितने न्यायालय पे चले जाओ चाहे जहाँ चला जाओ, वो भरना ही भरना पड़ेगा उसका। ये नहीं भाई, किसी को 50 लाख रुपए देना है तो उसे जेल में डाल के करेंगे क्या? कुछ सुब्रतो राय सहारा का नाम सुना है आपने? नहीं सुना? सहारा इंडिया का नाम सुना है? अरे बेचारा पड़ा है जेल में। क्रेडिट रेटिंग, सेबी के और उसके बीच में पंगा हुआ, क्रेडिट रेटिंग नहीं कराई गई। आपको पता है इस समय पूरी कंपनी की देनदारियां सारी रोक दी गई हैं। कितने सालों से सुब्रतो राय जेल में रहे, प्रॉपर्टियां नीलाम हो रही हैं, अभी कोई खरीदार नहीं मिल पा रहा है। तो परिस्थितियां चीज़ों को बदलता है। इस समय सहारा इंडिया पैनिक में है, जहां जहां सहारा में अकाउंट तो नहीं खुलवाया किसी ने, हाँ पैनिक में है इस समय, पैनिक क्रिएट हो रहा है। होगा कुछ नहीं, मिल जाएगा वापस, वो तो मिलना ही है, कहने कैसे करके आएगा। जैसे बीच में आपने देखा यस बैंक संकट आया, यस बैंक क्राइसिस आया, लोगों का पैसा गवर्नमेंट ने रोक, आरबीआई ने कहा कि अभी ये ना निकलेगा ना जमा होगा, रोक दो कुछ समय के लिए। आपने एक देखा जो कौन सा था, महाराष्ट्र का बैंक था, पीएमसी था, हाँ ऐसा कोई एक बैंक था, उसमें बहुत बड़ा गड़बड़ झाला हुआ। तो जब आप भी करेंगे तो इसमें है क्या, दूरस्थ आप देखेंगे यदि इसका रीजन, दूरस्थ रिजल्ट देखेंगे। जैसे अभी तत्कालिक आपको मैं फायदा बताऊं, आप लोग हैं तत्कालिक सुख क्या हो सकता है आपका, आराम से सोइए खाइए पिए मस्त रहिए, दूरस्थ लाभ क्या है, दूरस्थ परिणाम क्या है उसका। यदि आज मेहनत करोगे, आज संघर्ष करोगे, आज परिश्रम करोगे तो रिजल्ट कल का बेहतर ही हो जाएगा। आज पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं जिस दिन परीक्षा के दिन रिलैक्स बैठे होगे, दूरस्थ परिणाम ही है। लेकिन आज का सुख है कि आज छोड़ते हैं यार, आज रहते हैं यार। तो हमें दोनों परिणाम, जब कर्म करेंगे तो कर्म में हमें क्या देखना पड़ेगा, तत्कालिक वर्सेस दूरस्थ। काम करते समय आपको नैतिकता के निर्धारण में ये चीज़ जरूर देखनी, तब आप क्लियर कर पाओगे कि ये चीज़ नैतिक होगी कि अनैतिक होगी। ठीक है, तो अब थोड़ा सा लिख भी लीजिए, पहले पॉइंट में लिखिए कर्म का विषय एवं परिणाम, कर्म का विषय एवं परिणाम लिखिए। नैतिक रूप से अच्छे कर्म के लिए, नैतिक रूप से अच्छे कर्म के लिए कर्म का विषय एवं परिणाम अच्छा होना चाहिए, कर्म का विषय एवं परिणाम अच्छा होना चाहिए। तो गरीबों की मदद करना चाहते हो तो डकैती करना उसका विषय तो अच्छा है, परिणाम भी अच्छा है, लेकिन जो कर्म है आपका वो गलत है, डकैती गलत कर्म है। क्यों? दूसरों को, दूसरों की कमाई, गाड़ी कमाई को आप हिंसा के माध्यम से छीन के लाओगे और बांटोगे भी तो कोई फायदा नहीं मिलना है। ठीक है, आप लोग क्या करते हो, बहुत समाज सेवी बनते हो, जाते हो बाहर खूब समाज सेवा करते हो, घर में माता पिता दुख से किलह रहे हैं, काहे के समाज सेवी, किस चीज के समाज सेवी, कोई फायदा नहीं आपके इस कर्म का। क्योंकि जो आपकी प्राथमिक जिम्मेदारी है, परिवार हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी होती है, आपने प्राथमिक उत्तरदायित्व को किनारे कर दिया और आपने द्वितीयक उत्तरदायित्व को पूरा किया, ऐसे में आप अनैतिक व्यक्ति हैं, दुनिया के सबसे अनैतिक व्यक्ति आप होता है। आप यदि बाहर वाले को रेस्पेक्ट दे रहे हो, अपने घर में रेस्पेक्ट नहीं दे रहे हो, तो आप सबसे अनैतिक व्यक्ति हो, क्योंकि अपने प्राथमिक रेस्पेक्ट को आपने खत्म कर दिया। तो आपकी इंपॉर्टेंस क्या होनी चाहिए, प्राथमिक उत्तरदायित्व। समझ रहे हो बात को कि नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो, आज जितने भी अपराध हैं वो प्राथमिक उत्तरदायित्व के अभाव में ही पैदा हुए हैं। हम अपने अपने प्राथमिक उत्तरदायित्व भूल गए हैं। आप दूसरे के पिताओं का बहुत सम्मान करते होंगे, अपने पिता का नहीं करते होंगे, उनसे आप कभी झल्ला जाते होते, चिल्ला देते होंगे, सब कुछ कर देते होंगे, यही गलती आपके फादर कर रहे होंगे। वो अपना, उनका प्राथमिक उत्तरदायित्व आपका है, लेकिन वो कहते क्या है, देख पड़ोसी के लड़के को। अरे क्यों देखें भाई, तो आप अपने लड़के को देखिए ना, दूसरे के लड़के को क्यों देख के झिलक रहे हैं वो, लेकिन आपको दिखाना चाहते हैं। उनको प्राथमिक उत्तरदायित्व से वो निकल गए, आपका कंपेयर करने लग जाए किसी और से, उसको बेहतर और आपको बुरा बताने लग जाए, तो क्या होगा, ऐसे में किला है आपके अंदर, एक अलग तरीके का भाव पैदा होगा उनके खिलाफ, आपका अपना रेस्पेक्ट, अपना सम्मान, ये गड़बड़ है आज के टाइम पर। समझ रहे हैं, तो अपराध का उद्दीपन कर्तव्यों के विमुखता से पैदा होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला है आपका, दूसरा लिखिए, ये हो गया, मतलब हमें क्या है, नैतिक रूप से यदि अच्छा कर्म हम किसी को कहेंगे तो कब कहेंगे, जब उसका विषय और परिणाम अच्छा हो।
ठीक, अच्छा का मैंने आपको बताया सही का सिद्धांत क्या है, है ना, जिसका रिजल्ट, जिसका परिणाम उचित हो, जो सबके लिए उचित हो। बुरा किसे कहेंगे, जिसका रिजल्ट सबके लिए बुरा हो। ठीक, नेक्स्ट अगला लिखिए, दूसरा पॉइंट है कार्य करने की परिस्थिति। मनुष्य के सभी कर्म, दूसरा पॉइंट आपका था कार्य करने की परिस्थिति, इसमें लिखिए मनुष्य के सभी कर्म, मनुष्य के सभी कर्म किसी विशेष स्थान, किसी विशेष स्थान, काल या परिस्थिति विशेष में होते हैं। मनुष्य के सभी कर्म किसी विशेष स्थान, काल या परिस्थिति विशेष में होते हैं। अतः किसी मानवीय कर्म का नैतिक मूल्यांकन, किसी मानवीय कर्म का नैतिक मूल्यांकन, नैतिक मूल्यांकन मतलब उचित अनुचित का मूल्यांकन, जब भी नैतिक शब्द बोलूं मतलब सही या गलत, उचित अनुचित का मूल्यांकन या नैतिक मूल्यांकन करते समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि कर्म किन परिस्थितियों में किया गया है, कर्म किन परिस्थितियों में किया गया है, कर्म किन परिस्थितियों में किया गया है। ठीक, जैसे निर्दोष की रक्षा के लिए झूठ बोलना, कर्म के झूठ बोलना कैसा कर्म है, गलत कर्म है। लेकिन यदि किसी की जान बच रही हो तो ऐसे में झूठ बोलना क्या है, नैतिक है, उचित है, सही है। किसके लिए, शिक्षा पाने के लिए झूठ बोला गया हो, लेकिन अब यहाँ पे सिचुएशंस आपको बतानी पड़ेंगी। अच्छा, कर्ण ने कहाँ पे झूठ बोला था कि मैं एक अपनी जाति को लेकर के उसने बताया था कि मेरी जाति ये नहीं है, ठीक है, लेकिन उस समय का समाज कैसा था, उस समय का समाज ऐसे बंधनों से बंधा हुआ था, ऐसे नियम बनाए गए थे, क्योंकि नैतिकता के निर्धारण में सामाजिक मान्यताएं हैं कि नहीं है, उस समय कुछ राइट्स दिए गए थे। आज का आप संविधान के राइट्स को हटाइए, दिमाग से हटाइए, आप जाइए उस युग में, जिस युग में कर्ण रहा होगा, जिसमें कार्य का विभाजन स्पष्ट था, कर्मकांडीय पद्धति इतनी जटिल हो गई थी, यदि आप संविधान के हिसाब से देखोगे तो फिर गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि सबको शिक्षा का अधिकार है, सर्व शिक्षा अभियान सरकार चला रही है, आर्टिकल 21 ए में फंडामेंटल राइट है, तो क्या उस समय का संविधान जो था राजकीय कानून थे, क्या उसमें फंडामेंटल राइट 21 से जुड़ा था क्या, करने के पास क्या कर्ण क्षत्रिय था, कर्ण मौन सामाजिक मान्यता वो था क्या, वो छोड़िए उस पर बात नहीं करते, ठीक है, उस पर अलग डिबेट है, मैं बाप से बोलूं सामाजिक मान्यता क्या थी, वो तो दो लोगों के बीच की बात है, या तो कुंती को पता है कि वो क्या है, या तो कृष्ण को पता है कि वो क्या है, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, फिर उसमें बहुत सारे प्रश्न करने, वो दो लोगों के बीच को की बात को क्या जानेंगे, समाज को क्या पता था कि कर्ण कौन था, एक सूत पुत्र था, ठीक है, एक सूत पुत्र, हमें नहीं पता, वो तो हमें भी पता किससे चला, वेद अभ्यास जी ने महाभारत लिख दी तो उन्होंने लिख दिया कि ये वो था, लेकिन समाज की मान्यता, ऐसी स्थिति में उसने जो कार्य किया वो अपने आप में द्रोणाचार्य वहां पे गलत नहीं थे। अब एकलव्य की बात आए कि एकलव्य सही था कि गलत था, द्रोणाचार्य गलत था, क्यों गलत था, तो शिक्षा छुप छुप के लेना गलत कार्य है, मतलब आप ये कह रहे हैं शिक्षा छुप छुप के लेना गलत कार्य है, क्यों, तो क्षत्रिय में नहीं आते, तो उन्होंने तो बताया नहीं कि मैं क्षत्रिय हूं या मैं झूठ, कर्ण ने तो अपने आप को छुपाया, अपने अस्तित्व को छुपाया, वो गलत किया, वहां पे उसने गलत कर दिया, यदि अस्तित्व को बता के खड़ा होता तो कोई गलत नहीं था, कोई दिक्कत नहीं थी, राइट नहीं थे, सूत के राइट अलग होते थे, सूत के कर्म अलग, उसको रथ ही चलाना होता था, उसका काम धनुर्विद्या नहीं था, ठीक है, कर्म का विभाजन नहीं था, एकलव्य एक भील था, एकलव्य यहां पे गलत नहीं है, लेकिन द्रोणाचार्य भी गलत नहीं है, द्रोणाचार्य कई हद तक लेकिन गलत हो जाते हैं उस मामले में, एकलव्य गलत इसलिए नहीं क्योंकि उसने शिक्षा में द्रोणाचार्य का कोई हाथ नहीं है, उसका खुद का टैलेंट है, उसने उस
वो आपको क्या लगता है, यदि इतनी ज्यादा उनको कॉन्फिडेंस रहता अर्जुन में, उन्होंने एक अर्जुन को वचन दिया था कि तुम्हें मैं इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा धनुधारी बनाऊंगा, और उस रक्षा के पालन के लिए उन्होंने एकलव्य का अंगूठा काटा, क्या एकलव्य को उन्होंने शिक्षा दी? नहीं दी। ये तो एकलव्य का बड़बोलापन था कि उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य को अपना गुरु मना लिया, उसका बड़बोलापन था, लेकिन द्रोणाचार्य का उस पर कोई रोल नहीं था। सिर्फ द्रोणाचार्य जी ने अपने वचनों के पालन के लिए, इस चीज का उन्होंने पश्चाताप भी किया, ग्लानि भी की, उन्हें अर्जुन पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि एकलव्य से ज्यादा चला जाएगा, क्योंकि जिस बच्चे के पास गुरु ही ना मिला हो और वो अर्जुन से बड़ा धनुधारी बन गया हो, तो जब यदि वो गुरु के समकक्ष जाता तो कितना बड़ा धनुधारी होता। तो ऐसे स्थिति में उन्होंने एकलव्य के साथ गलत किया। इसमें द्रोणाचार्य अनैतिक थे, एकलव्य नैतिक था, एकलव्य गलत नहीं था। समझ रहे बात को? क्योंकि उसने कोई गलत कर्म किया, उसका कोई कर्म बताइए, ऑब्जेक्ट उसका गलत नहीं है, ऑब्जेक्ट गलत नहीं है, ऑब्जेक्ट एक स्किल पार प्राप्त करना था। वो स्किल देखो, आदिवासी समाज, वो एक आदिवासी भील समाज से आता था, आदिवासी समाज से आता था, आदिवासी समाज धनुर्विद्या सीखता था, ऐसा नहीं कि नहीं सीखता था, पूरा का पूरा है। मत्स्य साम्राज्य आपका जो था उस समय, मत्स्य साम्राज्य पूरा भीलों का साम्राज्य था। मत्स्य महाजनपद का नाम सुना है? उसी दौरान भीलों का महाजनपद था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपको देखना पड़ेगा कि क्या कर्म नैतिक है, परिणाम इनका परिणाम अनैतिक था। द्रोणाचार्य का जो रिजल्ट निकल गया, उसके अंगूठे का कट जाने का मतलब उसके स्कूल को खत्म कर देना, उद्देश्य अनैतिक था, विषय भी अनैतिक था, सब अनैतिक था। एकलव्य क्या क्या अनैतिक था बताइए? क्या नैतिक था? अब जैसे कि कर्ण ने क्या किया, जाके परशुराम जी से पूरी विद्या ली, परशुराम से, परशुराम उनके थे ना, और बाद में परशुराम को पता चला कि मेरे साथ ये छलावा, ये जी शुरू से ही बता के चलते हैं, जैसे एकलव्य ने बताया जाके अपने गुरु को, यहां पे गलत है, यहां पे छलावा है, तब जाके परशुराम को एक कष्ट हुआ, दर्द हुआ, और उन्होंने अभिश्राप दिया उन्हें कि जब तुझे जिस समय तेरे प्राण संकट में आएंगे उस समय तेरी वो विद्या काम नहीं आएगी, और उसी टाइम पे, और फिर अब यहाँ पे बहुत सारे महाभारत में तो अब नैतिकता के पालन पे जाएंगे पागल पड़ जाएंगे। जिस तरीके से अर्जुन ने कृष्ण, अर्जुन ने कर्ण को मारा, उसका पहिया फंस गया, उस अवधि पे उसको मारा गया, ठीक है, जिस तरीके से द्रोणाचार्य को मारा गया, जिस तरह से भीष्म पितामह को मारा गया, है ना, एक शिखंडी को लाके खड़ा कर दिया गया और उसके सामने उनका वध कर दिया गया, तो महाभारत युद्ध ही अनैतिकता का है। जब तक भीष्म थे, महाभारत का पूरा युद्ध ही अनैतिक है अपने आप में, उसको तो हम इथिक्स की परिभाषा में जोड़ ही नहीं पाएंगे। जमीन के टुकड़ों के लिए दो परिवार रक्तपात कर डाले, कुछ बचा ही नहीं उस परिवार में। द्यूत कीड़ा भी अनैतिक थी, लेकिन उसमें यदि कहें युधिष्ठिर अनैतिक था तो नहीं था। एक राजा का कर्तव्य होता है कि यदि दूत का वाहन उसे मिले तो उसे जाना चाहिए, ऐसे मोरालिटी थी। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, अब हमारे पास अब रूल्स हैं, अब हमारे पास क्लॉज हैं, ऐसे जैसे अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बुलाएं तो हमारे पास क्लॉज है, हम जाएं ना जाएं, हम मना कर दें, हम बाइकॉट कर दें, हम शिखर SCO के शिखर सम्मेलन में ना जाएं, हमने बहिष्कार कर दिया, वॉकआउट कर दिया, ये सब हमारे पास राइट्स हैं, हम संप्रभु देश होने के नाते। लेकिन उस दौरान ये सब चीज़ें मान मर्यादा प्रतिष्ठा की बात होती थी, समझ रहे? राजपूत काल पे ये जो पूरा राजपूताना था आपका, ये पूरा एक सम्मान प्रतिष्ठा होती थी। दशहरे के बाद जब शस्त्र पूजा होती थी, उसके बाद युद्ध करना ही होता था राजा को, तभी वो दिखाता था अपने आप को, तो अपने पराक्रम और उसके लिए सब चीज़ें करनी। अब आप खुद देखिए, राम ने अयोध्या में आकर के क्या किया, अश्वमेध यज्ञ किया, अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा किसने पकड़ा, पुत्रों ने पकड़ा उनके, श्री राम को नहीं पता था कि ये उनके पुत्र हैं। अब यहाँ पे नैतिकता का निर्धारण क्या करेंगे, दो छोटे बच्चे जिनके पास कोई सेना नहीं, कुछ नहीं, इधर पूरी अछौड़ी सेना लड़ रही है उनसे, बड़े बड़े धनुर्धारी लड़ रहे हैं, जिन्होंने बड़े बड़े धनुर्धारियों को मारा है उसमें, और वो सब पराजित भी होते जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे नैतिकता को आप किस हिसाब से तौलेंगे, क्या वो युद्ध अनैतिक था या नैतिक था? दो बच्चों के लिए जाकर के पूरी सेना ही आके खड़ी हो जाए, एक तरफ से बराबरी की बात होती, दो बच्चों के लिए दो बच्चे ही भेजे जाते, किसको भेजना चाहिए था इनको, किनको भेजना चाहिए था युद्ध में, श्री लक्ष्मण के बच्चों को भेजना चाहिए था, भरत के बच्चों को भेजना चाहिए था, शत्रुघ्न के बच्चों को भेजना चाहिए था, भेज किसे रहे,
अब वो बहुत सारी चीज़ें देखो, फिर कहीं ना कहीं पे हम गलत मार्ग चले जाएंगे। छोड़िए ये काम, अब आपको खुद करना है, अपना दिमाग अब खुद चलाना है, नैतिकता के पैमानों में ऐसे केस सॉल्व करना सीख जाओगे, मल्टीपल केस आपके सामने अब खुलते रहेंगे। अगले चलते हैं, नेक्स्ट दूसरा क्या था, कार्य करने की परिस्थिति, ठीक। कौन सी भावना, बड़ा भावना की बड़ी याद आ रही है आपको, इसी भावना में है कि कोई और भावना है? अच्छा यही भावना है, ठीक है। नेक्स्ट, तो भावना नहीं होगा, भावेश होगा क्या कोई, ये बताओ। नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, भावना ही तो होगा कोई कि भावेश होगा। सर मारा है, अब लीगल हो गया। हाँ अच्छा, भावेश भी हो सकता है। अच्छा अच्छा ठीक ठीक है, चलिए लिखिए, लिखिए भावना में लिखिए। कर्मों का मूल्यांकन करने वक्त, कर्मों का मूल्यांकन करने वक्त, कर्मों का मूल्यांकन करते वक्त कर्ता के उद्देश्य या प्रवृत्ति, कर्ता के उद्देश्य या प्रवृत्ति को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। कर्ता के उद्देश्य या प्रवृत्ति को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। किसी भी कार्य को करते समय, किसी भी कार्य को करते समय व्यक्ति के मन में जो इरादा या चाहत होती है, किसी भी कार्य को करते समय व्यक्ति के मन में जो इरादा या चाहत होती है वही उस कर्म का अभिप्राय है, वही उस कर्म का अभिप्राय है। अभिप्राय मतलब इंटेंशन। अभिप्राय में प्रयोजन एवं उद्देश्य का संदर्भ भी समाहित रहता है। अभिप्राय में शब्दावलियों में यह भी जोड़ लीजिएगा, अभिप्राय क्या है, तो अभिप्राय का मैंने बता दिया, क्या है अभिप्राय बताइए। किसी कार्य को करते समय व्यक्ति के मन में जो इरादा और चाहत होती है वो क्या होता है, उसका अभिप्राय होता है। हर चीज करने में आपका अभिप्राय होता है कि नहीं होता, हर कार्य के आगे अभिप्राय है कि नहीं है बताइए, इंटेंशन है कि नहीं है, कि बिना इंटेंशन के कोई काम करते हैं? बहुत सारे काम बिना इंटेंशन के भी करते हैं, इंटेंशन नहीं समझ रहे। कई बार हमसे गलतियां हो जाती, भूल, भूल क्या है, भूल का मतलब है या गलती, ये सब इंटेंशन के बिना किए हुए कार्य होते हैं, समझ रहे हैं? मान लीजिए कोई भी आपने ऐसा कार्य किया जिससे किसी को चोट लग गई, कुछ भी हो, जैसे मान लो चल रहे हैं हम, चलते चलते उधर से कोई आ रहा है, मैं भी जा रहा हूँ, अचानक से हम टकरा गए, तो मेरा इंटेंशन था उसको टक्कर देने का, मैं तो अपने काम के लिए जा रहा था, तो यहाँ पे ये कार्य हुआ मेरे से, उसके शरीर में धक्का लगा, लेकिन किस इंटेंशन से लगा? और दूसरा इंटेंशन क्या होता है, कैसे होता है, पहले से पूरा गाइडेड किया जाता है। मेला वगैरह में जाते हैं ना, पूरा इंटेंशन लेकर के वो जाते ही, इसलिए कि धक्के मिलेंगे, हम भी मारेंगे कोई और भी मारेगा, किया है मेला में, धक्के क्यों मारेंगे ही नहीं। हाँ ठीक है, चलिए पूरा सज धज के निकलते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहाँ पे हैं, हाँ तो लिखिए, ये हो गया अभिप्राय की परिभाषा, ठीक है। अभिप्राय भी पूछेगा, यदि मान लो इंडिपेंडेंट अभिप्राय पूछ लेता है तो भी आप उसे लिख पाए। कहाँ पे हैं अभिप्राय, हाँ लिखिए, आगे लिखिए। अभिप्राय में प्रयोजन एवं उद्देश्य का संदर्भ भी समाहित होता है। जैसे यदि कोई अधिकारी अपने कर्तव्यों का उल्लंघन करता है, यदि कोई अधिकारी अपने कर्तव्यों का उल्लंघन करता है तो फिर उसे कानूनन दंड मिल सकता है, तो फिर उसे कानूनन दंड मिल सकता है। अब मुझे यहां बताइए, दंड का अभिप्राय क्या है, दंड जो उसे मिल रहा है उसका अभिप्राय क्या है? देखिए फिर गलत दिशा में जा रहे हैं, बदला लेना है दंड का अभिप्राय, ताकि अधिकारी सुधर जाए। यदि आपने कानूनन कोई चीज गलत की है तो कानून का उद्देश्य अभिप्राय ये है कि आप में सुधार आए, आप दोबारा इसे ना दोहराएं, ना कि वो आपसे बदला ले रहा है,
तो ये चीज समझिए, वहां पे जो दंड देने का प्रयोजन है वो प्रयोजन क्या है, आपके अंदर बदलाव का, आपके अंदर सुधार का, कि आप दोबारा गलतियां नहीं करेंगे, ठीक है। इसलिए दंड होना चाहिए, शास्ती होना, आपको डेली अपने आप को भी दंडित करना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जब भी आप गलत करें दंडित करें, जब भी आप सही करें अपने आप को थोड़ा सा प्रोत्साहित करें, शास्ती लगा के रखें, दंड का प्रावधान। दंड बहुत बड़ा कारक होता है जो आपको नैतिक बनाता है, ठीक है। लिखिए आगे, इसमें अगला पॉइंट लिखिए, यहां दंड का प्रयोजन अधिकारी में सुधार करना है, यहां दंड का प्रयोजन अधिकारी में सुधार करना है, और यह प्रयोजन दंड के अभिप्राय में सम्मिलित है, और यह प्रयोजन दंड के अभिप्राय में सम्मिलित है। यहां दंड देना कानून का उद्देश्य नहीं है, यहां दंड देना कानून का उद्देश्य नहीं है, ठीक है। अब थोड़ा सा अभिप्राय को समझते हैं डिटेल से, ठीक है। अभिप्राय को चार प्रकार के इंटेंशन होते हैं व्यक्ति के, चार तरीके के इंटेंशन, चार तरीके के अभिप्राय होते हैं हर काम के, जब भी आप कोई काम करेंगे। पहला तो मैं बता चुका हूं आपको, पहला होता है कि जब भी आप कोई काम करते हैं तो उसका तत्कालिक आपको एक इंटेंशन होता है कि इसका तत्कालिक रिजल्ट क्या आएगा, और एक होता है कि उसका दूरस्थ रिजल्ट क्या आएगा। ये दो ही रिजल्ट होते हैं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, हर चीज का है, हर एक काम का है आपके। जैसे जिम करना, जिम करने का तत्कालिक रिजल्ट क्या है और लॉन्ग टर्म रिजल्ट क्या है, बताइए। लॉन्ग टर्म गोल आपका यह है कि आप स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, आपके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आएंगे जो सकारात्मक होंगे, सकारात्मक बदलाव होंगे। तत्कालिक क्या होगा? अच्छा, तत्कालिक में आप एक प्रॉपर परिश्रम कर रहे हैं, कैलोरी एक बर्न कर रहे हैं, जितना ले रहे हैं उतना आप प्रतिदिन के स्तर पे खत्म भी करते जा रहे हैं। जितना आप ले रहे हैं, यदि आप मेहनत परिश्रम कर रहे हैं, उस परिश्रम से आपको कैलोरी बर्न कर रहे हैं। लेकिन आप चार दिन जिम जाएं और चार दिन में आपको लगे मैं हेल्दी हो जाऊं, तो हो जाएगा? आपको लॉन्ग टर्म के लिए उसे रुकना ही पड़ेगा, उसका रिजल्ट ही नहीं है। या फिर एक काम ये करें, आपको जिम बहुत पसंद है, आपने चार दिन किया छोड़ दिया, आपको इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या मिलेगा? आप बहुत बेकार हो जाएंगे, आपकी बॉडी पूरी खराब हो जाएगी। आपने किया छोड़ दिया, जैसे ही पेन होना चालू हुआ बॉडी में थोड़ा बहुत चेंज, फिर छोड़ दिया, फिर जैसे चालू किया फिर छोड़ दिया, चार दिन का जोश फिर खत्म, आपके रिजल्ट जीरो होंगे, हो सकता है आप माइनस में भी चले जाओ। तो कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, जितना बड़ा इन्वेस्टमेंट करोगे उतना बड़ा रिजल्ट मिलेगा, ठीक। अब सिविल सर्विसेज में आते हैं, एक हो सकता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या है आपका, ये आप अभी जो कर रहे हो, जो पढ़ रहे हो, सोचो, यदि ये सोचने के ऊपर ही है, सोचो यदि आपने पढ़ा अच्छे से, सिलेबस कंप्लीट किया और कल के दिन आप डीएम बन गए, देखना है अभी, रुक जाइए, डीएम बन गए, आपके नीचे पूरा जिला प्रशासन, पूरा जिला प्रशासन पूरे जिले का, यदि आपने अभी मेहनत की और पुलिस कांस्टेबल मिल गए, बन गए, तो भी आप कुछ ना कुछ हैं, लेकिन आपके अंडर कोई नहीं, आप सबके अंडर एक्शन, आपका इन्वेस्टमेंट इक्वल टू आपका रिजल्ट, जितना लंबा इन्वेस्टमेंट करेंगे, यहां पे आप सब कुछ हैं, यहां पे आप कुछ भी नहीं हैं, जी हुजूरी वाले, इन्वेस्टमेंट जितना लंबा इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना लंबा आपको मिलेगा, चाहे जिस क्षेत्र में देख लीजिए, हर क्षेत्र में आपको एक लंबा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। यदि आप क्विटर हैं, छोड़ देंगे, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में जाएंगे, तो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा, ठीक है, समझ रहे हैं बात को, ठीक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। तो पहला लिखिए, कर्म के तात्कालिक तथा दूरस्थ अभिप्राय, सब में एग्जाम्पल लिखवाऊंगा एक एक, कर्म के तात्कालिक एवं दूरस्थ अभिप्राय। इंटेंशन को आप देखेंगे, चार प्रकार का इंटेंशन आपको पढ़ाऊंगा मैं। एक इंटेंशन होता है आपका आंतरिक तथा बाह्य अभिप्राय। आंतरिक और बाह्य अभिप्राय क्या है, मान लीजिए एक एग्जांपल दूं मैं आपको, जैसे मान लो कोई सुअर का बच्चा है, ठीक है, किसी गड्ढे में गिर गया है और कराह रहा है, ठीक है। अब वो क्या है, आपको पहले से पूर्वाग्रह क्या बन चुका है आपको उस पशु के प्रति,
कि इसे छूना नहीं है, ये गंदा है, ये है, वो है, ये तो बाह्य आपका एक बन चुका है इंटेंशन। लेकिन अब आप उसे जब देख रहे हैं तो आप उस दर्द को खुद भी महसूस कर रहे हैं, आपके अंदर करुणा का भाव पैदा हो रहा है, दया का भाव पैदा हो रहा है। तो आंतरिक तौर पे आप कैसे हो गए? आंतरिक तौर पे आपका मन कचोट रहा है, समझ रहे हैं? आंतरिक तौर पे आपको भी दर्द होना चालू हो गया। आप दूसरे की पीड़ा यदि नहीं देख पाते हैं तो, कोई यदि पीड़ा में होगा तो आपको दर्द होगा। तो यदि आप उसे बचाते हैं मान लीजिए, तो दो चीजें होंगी, एक तो उसका जीवन बच जाएगा, जीवन बचने का मतलब ये बाह्य, और आपका मन, ठीक। यदि कोई व्यक्ति है जो भूखा है, पड़ा है बाहर, मान लीजिए कोई गरीब है जिसकी हम मदद करते हैं, या भूखा है, तो उसको यदि आप एक रोटी देंगे खाने को, तो उसका बाह्य क्या होगा? उसका पेट भर जाएगा, उसका जीवन बच जाएगा, और हमें अंदर से क्या होगा? शांति संतुष्टि मिल। हमने कुछ नहीं खाया, हमने तो दिया, हमने तो एफर्ट दिया, लेकिन हमें मिला क्या उसके बदले? शांति, सुकून, संतुष्टि, जो बाकी चीजों से नहीं मिल सकती। तो कई बार के इन्वेस्टमेंट ऐसे होंगे जिनका रिजल्ट आपकी आंतरिक शांति और सुकून होगा। मदद इसी का नाम है। जब आप मदद करते हैं तो आपको एक दूसरे प्रकार का इंटेंशन मिलता है, जो कि आपको सुकून देता है, शांति देता है, ठीक है। एक और होता है प्रत्यक्ष और परोक्ष इंटेंशन होता है आपका। जैसे मान लीजिए प्रत्यक्ष और परोक्ष इंटेंशन, मान लीजिए ऐसा करते हैं, एक गाड़ी है, उस गाड़ी में आप बैठे हुए हैं और आपके चाचा का लड़का भी बैठा हुआ है, और दोनों जो है बिल्कुल एक दूसरे के जानी दुश्मन, संपत्ति विवाद को लेकर के। गाड़ी चलाने का मौका आपको मिला है, गाड़ी आप चला रहे हैं, उसमें चार छह लोग और बैठे हैं, आपके पास मौका बढ़िया है, आप गाड़ी उलट देते हैं, चाचा का लड़का निपट जाता है, उसके साथ दो चार और निपट जाते हैं, फिर आप बच जाते हैं। लेकिन प्रत्यक्ष और परोक्ष इंटेंशन, तो कहीं ना कहीं पे कई बार ऐसा होता है कि हमारे कर्म ऐसे होते हैं जिन कर्मों से हम नुकसान किसी और को पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन नुकसान उसको तो पहुंचता ही पहुंचता है, उसके साथ बहुत सारे लोगों को पहुंच जाता है, ठीक है। मान लीजिए किसी कंपनी का कोई मालिक है जो बड़ी कंपनी रन कर रहा है, हम क्या करें? प्लान करें कि इस कंपनी के मालिक को, इसके बिजनेस को चौपट कर देना है पूरी तरीके से, तो क्या करोगे? उसके बगल में एक दूसरा बिजनेस डालोगे, क्या करोगे? उसकी बुराइयां, उसके खिलाफ दुष्प्रचार, सारी चीज़ चालू होंगे, ठीक है। ये होते हैं बहुत सारे प्रोपेगेंडा होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां ध्वस्त हो जाती हैं। तो ऐसे में आपने तो बर्बाद एक को किया, लेकिन उसमें कितने कर्मचारी काम कर रहे थे, वो भी सब चले गए, वो भी बर्बाद हो गए, लेकिन आपका इंटेंशन उन्हें बर्बाद करना नहीं था, समझ रहे बात को मेरी, है ना। एक इंटेंशन ये भी होता है आपका। एक और होता है आपका, ये शायद आप सबसे ज्यादा समझें, चेतन तथा अचेतन अभिप्राय। चेतन और अचेतन अभिप्राय में, जैसे मान लीजिए कोई मंत्री महोदय है, मंत्री महोदय का जो चेतन मस्तिष्क है, आपका चेतन मस्तिष्क, उसका कहना है कि देश की सेवा करनी चाहिए। जैसे अभी आप लोगों का चेतन मस्तिष्क क्या है कि जब आप सिविल सेवा में जाएंगे तो आप देश की सेवा करेंगे, लेकिन मान लीजिए आपके अवचेतन मस्तिष्क में पैसे की भूख भरी पड़ी है, स्वार्थ भरा पड़ा है, अपना स्टेटस भरा पड़ा है, तो जब मौका आपको मिलेगा तो आपका चेतन मस्तिष्क हमेशा भ्रष्टाचार मुक्त होता है। ध्यान रखिएगा, आज एक बात आपको बता रहा हूँ, जो आपको करप्शन कराता है, जो आपको भ्रष्ट बनाता है, आपका अवचेतन मस्तिष्क होता है, ये आपके ऊपर हावी होता है, ये आपको दिमाग देता है। कभी भी मैं आपसे यदि बात करूं और बात करते समय किसी चीज को लेकर आपसे, तो तुरंत आप डिसीजन देंगे। जब आप क्वेश्चन करते हैं, मैं आपको बहुत इजी बताता हूं, जब आप क्वेश्चन करते हैं, कई बार वो क्वेश्चन आपको नहीं आता, लेकिन फर्स्ट क्लिक होता है, फर्स्ट क्लिक चेतन मस्तिष्क कराता है, और जब आप उसी को उसमें दो गोली लगा देते हैं, ए सही होगा या बी सही होगा, फिर आप क्या करते, छोड़ देते हैं बाद के लिए। अब इसके बाद जब बाद में अवचेतन मस्तिष्क आके उसमें बैठता है, तो फिर गलत ही लगा के आते हैं। अवचेतन मस्तिष्क हमेशा आपके वो अनुभव होते हैं जो आपको क्या होते हैं, वो स्टोर होते रहते हैं, और वो अनुभव अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, वो स्टोर होता जा रहा है। मान लो आज आपके अंदर स्वार्थ की भावना आई, तो आपके अवचेतन मस्तिष्क में तो स्टोर हो गया, लेकिन हो सकता है चार दिन बाद बिल्कुल सही हो जाए, आपका मन परिवर्तित हो जाए, तो आपका हमेशा चेतन मस्तिष्क अच्छा ही सोचेगा, बुरा कौन कराएगा?
अवचेतन मस्तिष्क, समझ रहे हैं ये भी आपको। तो चलिए अब एक एक करके लिखेंगे। तो पहला कौन सा था, कर्म के तत्कालिक एवं दूरस्थ अभिप्राय। लिखिए इसमें, लिखिए कोई भी व्यक्ति किसी डूबते हुए अपराधी की रक्षा करता है, कोई भी व्यक्ति किसी डूबते हुए अपराधी की रक्षा करता है जिसमें जिसमें वह उसे रक्षा करता है जिसमें वह उसे पुलिस के हवाले कर सके, जिससे वह उसे पुलिस के हवाले कर सके। तो तत्कालिक कारक क्या था, अपराधी की रक्षा हो गई, उसका जीवन बच गया। और दूरस्थ अभिप्राय क्या निकल के आया इसका, कि उस अपराधी से होने वाले बहुत सारे अपराध और उससे जुड़ी हुई जितनी भी आपराधिक गतिविधियां हैं सारियों पे उनके बारे में जानकारी पुलिस तक पहुंच सकेगी और बहुत सारे अपराधों को रोक पाएगी। ठीक है, हुए दो अभिप्राय इसमें। तो लिखिए यहां उस व्यक्ति का तत्कालिक अभिप्राय, यहां उस व्यक्ति का तत्कालिक अभिप्राय अपराधी के जीवन की रक्षा करनी है, अपराधी के जीवन की रक्षा करनी है। तथा दूसरा अभिप्राय उसे पुलिस के हवाले करना है, उसे पुलिस के हवाले करना है, उसे पुलिस के हवाले करना है ताकि 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 तत्कालिक तथा दूरस्थ अभिप्राय मिलकर, तत्कालिक तथा दूरस्थ अभिप्राय मिलकर मिलकर संपूर्ण अभिप्राय बन सकें। और संपूर्ण अभिप्राय ही नैतिकता है, संपूर्ण अभिप्राय बन सके। मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। मान लीजिए आप हैं, आपकी सोच ये है अपने घर में कि आपको सबको उन्नति के मार्ग में ले जाना है, पूरा घर उन्नति करे। ठीक है, आपके चार भाई हैं, ठीक है, और आप बहुत अच्छे से सबको एक साथ लेके चल रहे हैं, बिजनेस पूरा अच्छे से चला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तभी अचानक क्या होता है कि घर पे दूसरे भाइयों का विवाह होना चालू होता है ना, और विवाह के बाद घर पे विभाजन चालू होना चालू होता है। आपका क्या अभिप्राय था, घर में संगठन बना रहे, आपका क्या अभिप्राय था, घर में एकता बनी रहे, सबकी उन्नति हो। और आपके द्वारा खरीदे हुए घरों पे ही भाइयों में क्या हो जाता है, विवाद शुरू हो जाता है। ऐसी कंडीशन में आप घर की शांति को बनाए रखने के लिए किराए के घर पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो नैतिक होगा इसमें तत्कालिक अभिप्राय तो गलत लग रहा है कि भाई जिसने बनाया वही किराए पे रह रहा है, तत्कालिक अभिप्राय। लेकिन दूरस्थ अभिप्राय घर का संगठन, एकता, सबको बनाए रखने के लिए आपने अपने आप को न्यौछावर कर दिया, अपने आप को बलि का बकरा बना दिया, भाई सब आप लोग रखो और मैं, समझ रहे बात को। तो जब कभी किसी ना किसी को तो बलिदान देना पड़ेगा ना, और या अन्यथा अभिप्राय खत्म, जो घर का उद्देश्य था वो खत्म, सब न्यूक्लियर फैमिली में तब्दील। तो कई बार आपको ऐसे एक्शंस होंगे जो आपको लगेगा कि मैं इसमें सही हूं, लेकिन अल्टीमेट क्या होगा, वह उस एक्शन पर जाकर आप फंस जाएंगे, स्टक हो जाएंगे, वहां पर नैतिक द्वंद्व की स्थिति में आ जाएंगे। तो आपको ये चीजों को भी देखना पड़ेगा। अगला अभिप्राय लिखिए, नेक्स्ट है आंतरिक तथा बाह्य अभिप्राय। आंतरिक तथा बाह्य अभिप्राय, इसमें मैंने एक एग्जांपल सुअर के बच्चे वाला ही लिख लीजिए। लिखिए एक सुअर का बच्चा गड्ढे पर पड़ा कराह रहा है, एक सुअर का बच्चा गड्ढे पर पड़ा कराह रहा है। शोले मूवी तो याद नहीं आ रहा, सुअर के बच्चों। नेक्स्ट, आपने उसे गड्ढे से निकाल दिया, आपने उसे गड्ढे से निकाल दिया, तो बाह्य अभिप्राय क्या हुआ, बाह्य अभिप्राय उसकी बच्चे जीवन बच गया उसका। तो बाह्य अभिप्राय इसमें लिख लीजिए, सुअर के बच्चे की रक्षा, बाह्य अभिप्राय हुआ इसमें सुअर के बच्चे की रक्षा, सुअर के बच्चे के जीवन की रक्षा। और आंतरिक अभिप्राय क्या हुआ, आपके मन की दुखद भावना को हटाना। आंतरिक अभिप्राय हुआ आपके मन की दुखद भावना को हटाना। ठीक है,
दूसरा है लगला है प्रत्यक्ष या परोक्ष अभिप्राय, प्रत्यक्ष या परोक्ष अभिप्राय। मैं भाई एक सिचुएशन आपको देता हूं, जैसे नक्सलवादी हैं, नक्सलवादियों के द्वारा क्या किया जाता है, जैसे ये पूरी घटना गई थी पुलवामा वाली, पुलवामा आतंकवादी घटना देखते हैं, पुलवामा में बड़ी संख्या में सीआरपीएफ के ट्रक जा रहे थे 40 से ज़्यादा, है ना, अचानक से क्या हुआ, एक कार फिदायीन हमला हुआ, मतलब एक मानव बम का हमला हुआ, एक बंदा था जो उस पर बैठा था और बैठ करके उसने सारे लोगों को उड़ा दिया, ठीक है। उसका उद्देश्य क्या था, उनका उद्देश्य क्या था, भय का वातावरण उत्पन्न करना, और क्या उद्देश्य होगा, डर का वातावरण बनाना, और उस डर के वातावरण बनाने के लिए उसने कितने लोगों को मार दिया, क्या उस बच्चे का उन लोगों से कोई लेना देना था कि नहीं था, नहीं था। लेकिन मरे कितने लोग, जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी पे जा रहा है, मैं उसी एग्जांपल को फिर से दोहराता हूँ, किसी गाड़ी पे कोई बैठा है जो आपका शत्रु है, और आप क्या करते हैं उस गाड़ी को कहीं पर भी जब आपको लगता है कि रास्ते पे यहाँ से निकलेगी तो इसके नीचे इसका ये गाड़ी स्पीड पे रहेगी, इसका ट्यूब फटेगा और ट्यूब फट के गाड़ी पलट जाएगी, तो आप वहाँ पे बहुत सारे कांटे बिछा देते हैं और गाड़ी तेज़ी से आती है, गाड़ी पलट जाती है, आपका शत्रु भी मर जाता है। तो आपका प्रत्यक्ष अभिप्राय क्या था, अपने शत्रु को मारना, परोक्ष अभिप्राय क्या हुआ, उस गाड़ी में बैठे हुए अन्य लोगों की भी मृत्यु हो जाना। समझ रहे, मेरी बात नहीं समझ रहा। कई बार हम ऐसे कर्म करते हैं ना, किसी को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में कई लोगों को नुकसान पहुंच जाता है, हम उन्हें नहीं नुकसान पहुंचाना चाहते लेकिन पहुंच जाता है, हमें पता नहीं होता। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, ठीक। जैसे कि महाभारत, कौन कौन सा, कौन से डोनर, हाँ हाँ, वो भी आपका प्रत्यक्ष और परोक्ष में आ जाएगा। अपने बच्चे को बचाने के लिए वो मारना नहीं चाहता था लेकिन उसकी मजबूरी थी, वो किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं मार रहा था जो डोनर ना हो, यदि किसी ऐसे व्यक्ति को मार रहा होता तो ठीक था, जो डोनर था उसी को मार रहा था, ठीक है। तो लिखिए इसमें भी, प्रत्यक्ष तथा परोक्ष अभिप्राय मिलकर ही किसी कर्म को संपूर्ण अभिप्राय बनाते हैं, प्रत्यक्ष तथा परोक्ष अभिप्राय किसी कर्म को संपूर्ण अभिप्राय बनाते हैं। यदि कोई व्यक्ति गाड़ी में जाते हुए अपने शत्रु की हत्या के लिए गाड़ी उल्टा देता है, तो यहाँ उस व्यक्ति का प्रत्यक्ष अभिप्राय अपने शत्रु का वध करना है और परोक्ष अभिप्राय गाड़ी में बैठे हुए सभी यात्रियों की हत्या करना, और परोक्ष अभिप्राय गाड़ी में बैठे हुए सभी यात्रियों की हत्या करना। ठीक है, जैसे मान लो प्लेन हाईजैक हुआ, किस लिए हुआ, किसी आतंकवादी को छुड़ाने के लिए हुआ, लेकिन प्लेन हाईजैक के दौरान सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए 5-6 यात्रियों को भी मार दिया गया, तो प्रत्यक्ष अभिप्राय क्या हुआ इसका, आतंकवादी को छुड़वाना। परोक्ष अभिप्राय क्या हुआ, एक तो प्लेन हाईजैक करना, यही अपराध है, बाकी उसमें यात्रियों के जीवन को भी संकट में ला के खड़ा कर देना। तो कई बार आप अपने किसी कर्म के लिए कई सारे ऐसे कर्मों को दोहराते हैं जो, तो जब आप नैतिकता का निर्धारण करेंगे तो ये दोनों चीज़ देखेंगे, तत्कालिक और दूरस्थ अभिप्राय देखेंगे कि नहीं देखेंगे, कि किसी काम का तत्कालिक और दूरस्थ क्या पड़ रहा है, ये दोनों देख के नैतिकता का निर्धारण होगा। सब केसेस में लिखना है, ये सब सिद्धांत हैं, आपको काम आएंगे। आप आंतरिक और बाह्य अभिप्राय देखेंगे, आप बताएंगे कि इससे आंतरिक कितना बदलाव होगा, बाह्य क्या इसका इम्पैक्ट होगा। आप प्रत्यक्ष और परोक्ष अभिप्राय देखेंगे, ठीक है। और तीसरा है, नेक्स्ट है आपका चेतन तथा अचेतन अभिप्राय।
चेतन तथा अचेतन अभिप्राय। तो अचेतन अभिप्राय क्या है? मन के अचेतन भाग में जो रहता है, हमारे मन का 1-2% हिस्सा है जो आपको एक्टिव है, बाकी 90% हिस्सा आपकी मन का, बुद्धि का, आपके दिमाग का आप यूज ही नहीं करते हैं। ठीक है, आप अपने दिमाग का पॉइंटों में यूज करते हैं, 0.00000 कितने परसेंट हिस्सा ही यूज करते हैं, बाकी का हिस्सा तो आपका और बचा के रखा है आपने, उसे यूज ना हो जाए, उस संपत्ति को आपने बिल्कुल कैसे यूज होगा, प्रयोग ही नहीं करना है उसको, ब्रह्मास्त्र है, मरने के बाद करेंगे, है ना, अभी नहीं, जिंदे जीते जी वो खत्म नहीं होनी चाहिए ऊर्जा। तो लिखिए इसमें अचेतन अभिप्राय। अचेतन अभिप्राय वह है जो मन के अचेतन भाग में रहता है। अचेतन अभिप्राय वह है जो मन के अचेतन भाग में रहता है। आधुनिक मनोविज्ञान में बताया है कि मनुष्य के कर्मों पर अचेतन मन का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। तो जो आपको अब एक चीज बताऊं, जब कई बार आप आदमी को समझने में गलती कर देते हैं, क्योंकि आप उसके चेतन मस्तिष्क को ही देख रहे होते हैं, अचेतन तो आपको पता ही नहीं होता। वो कब पता चलता है? समय, परिस्थिति, काल, तब उसका असली, कहते ये है इसका असली चेहरा। तो असली चेहरा कौन होता है? अचेतन मस्तिष्क। ये कैसे देखोगे? ये कौन दिखाता है? सिचुएशंस, परिस्थिति। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके आज आपके पास पैसा है, आपके दोस्त बनते चले जाएंगे, मित्र बनते चले जाएंगे। ठीक है, क्या कैसे वो मित्र बन रहे हैं? उनका चेतन मस्तिष्क। लेकिन उनके अचेतन मस्तिष्क में आपको लेकर के, जब तक आपके पास पैसा है बस उसी तक आप हैं, बाकी खत्म, फिर आपके पास फिर उनकी को आपकी कोई वैल्यू नहीं है। तो जब आपके पास कौन बचता है? जब वो चीज़ नहीं है। जैसे मान लीजिए आप हैं, अभी आपके हाथ है, पैर है, सब कुछ सही है, मान लो ईश्वर न करे कभी स्थिति बहुत बिगड़ जाए, कुछ हो जाए गड़बड़, शरीर का कोई अंग विक्षिप्त हो जाए, कुछ भी हो जाए। जैसे आपने एक मूवी देखी है, विवाह मूवी देखी नहीं देखी? शाहिद कपूर और अमृता, कौन है, अमृता राव, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी होती है और लड़की की घर पे आग लग जाती है और आग के कारण लड़की आधा जल जाती है, इसके बावजूद भी वो शादी करता है। आप होते तो? अरे आप कर लेते। तो वो परिस्थिति, जब आप इतनी बुरी कंडीशन में पहुंच जाएं, तब भी लोग यदि आपके साथ खड़े रह जाएं, तो उनका अवचेतन मस्तिष्क आपके लिए सही है, समझ रहे हैं? और यदि वो आपको उस परिस्थिति में छोड़ देते हैं तो उसका अवचेतन मस्तिष्क, अभी आप जिस परिस्थिति, मान लो अभी आप संघर्ष कर रहे हैं, अब आपको पता है कि आपके साथ कौन कौन है, जिस दिन संघर्ष बदलेगा सब आपके साथ आके खड़े हो जाएंगे। जिस दिन सिलेक्शन होगा, आपको आपके क्षेत्र के विधायक का भी फोन आएगा, ये कहाँ थे तुम, कहाँ हो, सबका फोन आएगा, एक एक तरफ से फोन ही फोन बजेंगे, रिश्तेदारों का, दुनिया भर के गुलदस्ते, फूल, सब कुछ आएंगे। अभी न विधायक का पता, अभी चले जाओ आधार कार्ड, आपको जो आय प्रमाण पत्र बनवा, नहीं बनवाएगा वो फिर बोलेगा बेटा ध्यान रखना थोड़ा सा, ये हमारा बच्चा है, इसको भी थोड़ा सा कोशिश करना, अभी आपके विकास में उसका कोई रोल नहीं है। किसका रोल है? जिसका रोल है उसका अवचेतन मस्तिष्क आपके लिए अच्छा है, और जिसका रोल नहीं है, जो उसके बाद आएगा, उसका अवचेतन मस्तिष्क आपके लिए बुरा है। कल के दिन जैसे ही वो चीज़ छिन जाएगी, वो फिर भग जाएगा आपसे। क्लियर? जो आपकी विपत्तियों में आपके साथ रहे, और विपत्तियों में आप जैसे होते हैं, जैसे अभी आप हैं, आपके अंदर देश सेवा, दुनियादारी इसलिए भरी है क्योंकि आपके पास कुछ है ही नहीं, अथॉरिटी। जब आपके पास कुछ आ जाए, अथॉरिटी आ जाए, पावर आ जाए, अभी कुछ कर ही नहीं सकते, तो देश सेवा के अलावा और क्या करोगे आप, समझ रहे हो? किसी बंदे के पास फोन नहीं है और वो कहे कि मैं फेसबुक नहीं चलाऊंगा, अरे फोन ही नहीं तो फेसबुक क्या चलाएगा? फेसबुक के लिए तो फोन खरीदना पड़ेगा ना, व्हाट्सएप खरीदना, समझो? अभी अस्त्र ही नहीं है, औजार ही नहीं, आप कह रहे हैं चलाएंगे नहीं। अब जब हाई नहीं, आपके पास सर्विस ही नहीं है, तो आप चाहे जो जो चिल्लाओ,
कि मैं देश सेवा कर डालूंगा, मैं ये कर डालूंगा, मैं वो कर डालूंगा। जब सर्विस मिल जाए, जब ज्वाइन कर लो, फिर आप करो, तब दिखता है कि हाँ आप ठीक हो। उसके बाद आपकी रंगत बदल जाएगी, सूरत बदल जाएगी, आप पहचानना बंद कर दोगे लोगों को। वो आपका अवचेतन वो निकल आया, बाहर आके खड़ा हो गया कि देखो मैं आ गया, निकल आया। स्वार्थ, भ्रम, ये सब चीज़ें ये आपके अंदर भरी हुई हैं, आपके अंदर ग्रीड्स भरी हुई हैं, लालसा भरी हुई हैं। आप पूरा देश बेच लो मौका मिल जाए तो, धीरे से पूरा जिला बेच डालो धीरे धीरे, सब पूरा यही कर रहे हैं बड़े बड़े अधिकारी, कुछ नहीं कर रहे हैं। रेलवे के पूरे वो टेंडर पता चला जितना स्क्रैप है गायब, लोगों ने चारा बेचा समझो गायब पड़े हुए। मतलब सोचिए ग्रीड किस तरीके की लालसा हो सकती है, कितने बड़े बड़े घोटाले होते हैं, कैसे होते हैं उनका असली चेहरा, पहले क्या रहे होंगे और तब कह रहे होंगे। तब पता है आपको, जब कोई रोकेगा ना, आप फिर कानून नहीं देखोगे, आपको कि पता है मैं कौन हूं। आप यदि हेलमेट नहीं लगाए होगे और कोई रोकेगा आपका, जूनियर सब कुछ बोलोगे मैं कौन हूं, ये बोलोगे अभी क्या है बाबूजी 100 रुपए 150 रुपए ऐसे काम कराओगे, चालान कटवा लोगे। क्यों? अभी आपको पावर ही नहीं। जब सत्ता में आने के बाद आप अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन करते हैं तब आप भ्रष्टाचार, तब आप बोल सकते हैं। समझ रहे बात को? समझ रहे नहीं समझ रहे? हाँ ठीक, लिखिए इस बात को, चेतन या अचेतन मस्तिष्क को लिखिए। कहाँ पर है? मनुष्य के कर्मों पर अचेतन मस्तिष्क का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। एक मंत्री का चेतन अभिप्राय यह है कि एक मंत्री का चेतन अभिप्राय यह है कि देश की सेवा करना। पर उसका अवचेतन अभिप्राय अपने स्वार्थ की सिद्धि एवं अपनी ख्याति हो सकती है। अपने स्वार्थ की सिद्धि एवं ख्याति हो सकती है। यह चेतन अभिप्राय ही अधिकतर नैतिक निर्णय का विषय होता है। अब आपका अवचेतन सही होना चाहिए, यदि वो गड़बड़ है तो ठीक है। सभी लोग पैसा आने के बाद बदल जाते हैं, बोलते हैं ना पैसा आने के बाद बदल गए, प्रतिष्ठा आने के बाद बदल जाते हैं, पद आने का, आपके गांव का जो प्रधान होगा पहले कुछ नहीं होगा, हो सकता है गोबर वगैरह उठाता रहा हो, धोखे से प्रधानी जितवा दीजिए आप उसे, पहचानना इंकार कर देगा, फार्चुनर से चलेगा और अगले पंचवर्षीय में 12-13 लाख खर्च करेगा ताकि अगली पंचवर्षीय फिर मिल जाए। और पहले क्या कर रहा था? गोबर बीन रहा था। किसने प्रधान बनाया? आप लोगों ने बनाया। सुनेगा नहीं, उल्टा सुनेगा, ऐसे उसको सुनता ही उल्टा है, ये कंडीशन हो जाती है। क्यों? पद प्रतिष्ठा, उसने क्या किया? अवचेतन मस्तिष्क ने आके उसे ग्रसित कर लिया। यदि आप आज यदि कोई बात बोलोगे तो क्या गारंटी जब अकाल आपको मिलेगा? उस गारंटी में आप, और कोई गारंटी नहीं, किसी की कोई गारंटी हो ही नहीं सकती। समय, परिस्थिति, काल नैतिकता का निर्धारण करते हैं। तो आज यदि आप कहो कि मैं देश की सेवा करूँगा तो क्यों माने हम आपकी? आप कहो कि मैं सीने में गोली मारूँगा, आप बॉर्डर में खड़े होकर बोलो, वहीं पर इंडियन आर्मी ज्वाइन करो, बॉर्डर पे वहाँ पे चलो इंडियन आर्मी मत ज्वाइन करो। अभी आप लोग बोल देते हो ना कि मैं देश के लिए मरने के लिए तैयार हूँ, मैं कहता हूँ बॉर्डर में खड़ा कर देते हैं आपको, वहाँ पे गोलियाँ भी चलती हैं, ठीक है, चल रही हैं गोलियाँ, अब आपको मौका मिला है, भाग जाओगे? 2 मिनट नहीं रुकोगे आप, 2 मिनट भी रुक जाओ तो बहुत बड़ी बात है, आप गोली खाओगे, है ना। तो ये सिर्फ तब तक है जब तक आप उस सिचुएशन में नहीं हो। जैसी सिचुएशन बदल जाएगी वैसे ही आप चेंज हो जाओ। कौन? आपका अचेतन मस्तिष्क उस समय काम करेगा, ठीक है। लिखिए इस चीज पे, आपके यह चेतन अभिप्राय ही अधिकतर नैतिक निर्णय का विषय होता है। पर अचेतन अभिप्राय भी नैतिक निर्णय का विषय बन सकता है, बन जाता है। अभी जो भी आपके डिसीजंस, जो भी आपके नैतिक निर्णय होते हैं अचेतन मस्तिष्क के ही होते हैं, लेकिन समय परिस्थिति के अनुसार अचेतन मस्तिष्क भी नैतिक विषय वस्तु में तब्दील हो जाता है, ठीक है। पर अचेतन अभिप्राय भी नैतिक निर्णय का विषय हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार नैतिकता के निर्धारण में
नैतिकता के निर्धारण में या नैतिक परिस्थिति में नैतिक विवेचन के क्रम में या नैतिक परिस्थिति में नैतिक विवेचन के क्रम में छह प्रमुख चरण उभर कर सामने आते हैं। छह प्रमुख चरण सामने उभर कर आते हैं। नंबर एक, तेजी से लिखते जाओ ताकि कंप्लीट हो जाए छह पॉइंट, क्योंकि समय हमारा समाप्ति की ओर है। पहला पॉइंट है विभिन्न उपस्थित विकल्पों। अब मान लीजिए आप हैं, ठीक है, आपको घर पे हैं, ठीक है, घर में दाल चावल बना है और कोई आपसे कहे कि क्या खाओगे, तो आपके पास विकल्प भी क्या है? मैं आपको रेस्टोरेंट पे ले जाके पूछूं कि क्या खाओगे तो बात बनती है कुछ, क्योंकि आपके पास संभावित विकल्प हैं, आप वहां पे विकल्प चुन सकते हो। घर पे कोई पूछे कि क्या खाओगे तो उसके नीचे कान के नीचे झन्नाटा मारना चाहिए कि क्या क्या खाओ, कैसे क्या खाओगे, जो बना है वही खाएंगे, जो सामने रखा है वही खाएंगे, वहां पे विकल्प नहीं है आपके पास। वहां पे आप सोचे रसमलाई खा लें आप, तो कैसे खा लेंगे, पॉसिबल ही नहीं है, बना भी नहीं सकते घर पे, समझ रहे बात को। तो हमेशा जब आप केस स्टडी करेंगे तो केस स्टडी के सामने आपके पास विकल्प होने चाहिए। आप समुद्र में फंसे हों, बीच समुद्र में कोई कहे कि बिस्लरी का स्वच्छ पानी पियोगे, कैसे कैसे पी लेंगे भाई, जब विकल्प ही नहीं, वहां खारा पानी ही आसपास है, ब्रह्मांड की कोई शक्ति आके नहीं दे सकती आपको, ठीक है। इंतजार करोगे कि कब बरसा, जब बरसा तब इकट्ठा करोगे तब पियोगे, नहीं तो यूरिन तक लोग पीते हैं, ठीक है। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि आपके पास विकल्प होने चाहिए, जब विकल्प होंगे उन्हीं विकल्पों का चयन आपको करना है, और विकल्प का चयन सर्वश्रेष्ठ होता है। यही यूरिन आप घर में पियोगे क्योंकि घर में आपके पास विकल्प है स्वच्छ पानी पीने का, यही यूरिन आप समुद्र में पियोगे क्योंकि पास विकल्प नहीं है पीने का कुछ भी, वहां पर सर्वश्रेष्ठ विकल्प क्या हो जाएगा, आपका मूत्र ही आपका जीवन बचाएगा। समझ रहे मेरी बात, नहीं बचा समझ रहे हो? तो हमें क्या करना है, नैतिकता के निर्धारण में विकल्प ढूंढने। आज आप शाकाहारी हो क्योंकि पास आपके पास विकल्प है शाकाहार का, किसी ऐसे देश में जहां शाकाहार हो ही ना, फिर वही होगा कि शेर है घास नहीं खा सकता चाहे मर सकता है, तो फिर शेर का क्या होगा, शिकारी होगा, वहीं निपट जाओगे, दम तोड़ दोगे। जैन धर्म में एक संथारा प्रवृत्ति है, संथारा प्रवृत्ति की तरह भूख प्यास से दम तोड़ दोगे, नहीं तो खाओगे बढ़िया आराम से, वही चिकन स्वादिष्ट लगेगा, वाह क्या चीज मिली है, क्या क्या हाँ, फिर वही सब्जी लगेगी, बहुत स्वादिष्ट लगेगा। अभी नखरे कर रहे हो जिस खाने के, आप लोग खाने के नखरे क्यों करते हो, क्योंकि दिन भर में 50 बार खाना मिलता है, अभी 4 दिन बाद वही बासी रोटी बिल्कुल सड़ा गला सा भी मिल जाए तो भी नहीं छोड़ोगे, खा जाओगे, क्यों, विकल्पों का, जब विकल्प बहुत होते हैं तो उस विकल्पों, वही विकल्प आपको बुरे लगेंगे, आप सर्वश्रेष्ठ चुनते हैं, जब आपके पास विकल्प ही नहीं होते तो वही चीज़ अच्छी लगती है। अब आपके घर पर जो परिस्थितियाँ हैं, अभी क्या है, घर पर बहुत सारे विकल्प नहीं है आपके पास, विकल्प ही नहीं है, मान लो झोपड़पट्टी है ही अपने घर पर, तो मैं विकल्प कहाँ है महलों वाला, पैदल चलने का ही विकल्प है तो मर्सिडीज का विकल्प है ही नहीं। कल के दिन आपके पास जब विकल्प उभरने लग जाएंगे तो वहीं पर आपकी नैतिकता का निर्धारण बदलने लग जाएगा, ठीक है। अब मान लो मेरे पास गाड़ी हो और मैं क्या करूं, गाड़ी से उतरूं और उतर के धक्का लगाते लगाते अपने घर तक ले जाऊं। एक आपने कहानी सुनी है ना कि एक व्यक्ति था, उसके पास एक गधा था और एक बच्चा था उसके, ठीक है, तो गधे को लेकर के चल रहा था, ठीक है, बच्चा और अपना दोनों पैदल चल रहे थे, गधा भी बढ़िया आराम से चल रहा था। तो एक गाँव से गुजरा तो गांव के आदमी ने कहा उसे कि क्या मध्य मूर्ख आदमी है, कम से कम ये छोटा बच्चा है, इस बच्चे को गधे के ऊपर बैठा लेता, गधे का काम ही है बोझा ढोना। तो उस आदमी ने सुना, बोला ये बात सही है, लीगल है, तो बच्चे को उठाया और उठा के गधे पर बैठा दिया। चलते चलते दूसरे गांव पहुंचे तो दूसरे गांव में बोले कि बद्ध मूर्ख आदमी, कैसा जमाना आ गया है, एक बूढ़ा आदमी चल रहा है और बच्चा बैठा है, इतना जवान लड़का है, इसको उतरना चाहिए और इसको बूढ़े को बैठाना चाहिए। तो उन्होंने सोचा ये भी बात सही है, बच्चा उतर गया बूढ़े को बैठा दिया। एक गाँव में और चल रहे पहुँचे तो उस गाँव में उसको बोला कि क्या मूर्ख आदमी है, दोनों लोग बढ़िया, गधा है बच्चा, छोटा बच्चा है उसे पैदल चला रहे हैं और अपना जो है आराम से बैठा हो जाए, तो उन्होंने सोचा दोनों बैठ जाते हैं, टेंशन खत्म, ये भी बैठ गया वो भी बैठ गया।
अगले गांव पहुंचे तो अगले गांव में उन्हें बोला, क्या मूर्ख आदमी है, बेचारे गधे की जान लिए बैठे हैं, दोनों चढ़े बैठे हैं, ये नहीं तो फिर दोनों उतर गए। तो जमाने में क्या है ना, जैसे ही आप जाएंगे पछती तो कोई ना कोई आपकी सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाएगी कि आपको वही चीज़ नैतिक और अनैतिक लगने लग जाएगी। नज़रिए की बात है नैतिकता में, और परिस्थिति के साथ नैतिकता बदल जाती है। ठीक है, तो लिखिए इसमें पहला है, विभिन्न उपस्थित एवं संभावित विकल्पों का स्पष्टीकरण किया जाए। विभिन्न उपस्थित एवं संभावित विकल्पों का स्पष्टीकरण किया जाए। जब आप नैतिकता का निर्धारण करने जाएंगे पहले सारे विकल्प ढूंढेंगे कि क्या क्या विकल्प हम चुन सकते हैं, फिर उनमें से जो भी संभावित विकल्प हैं उनको स्पष्ट करेंगे। पहले तो ये क्लियर करेंगे, समझ रहे हैं, क्लियर। अगला पॉइंट दूसरा है, इतिहास एवं व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर, इतिहास एवं व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर, इतिहास एवं व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर विभिन्न विकल्पों के परिणामों का विश्लेषण किया जाए। जितने विकल्प हैं पहले उनमें से चुना नहीं अभी आपने कोई भी, चुनने से पहले आप क्या करेंगे, उनका रिजल्ट ढूंढेंगे कि इनका रिजल्ट क्या रहा है। ठीक है, इतिहास एवं व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर विभिन्न विकल्पों के परिणामों का विश्लेषण किया जाए। परिणामों के विवेचन के क्रम में व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों पक्षों का ध्यान रखा जाए। परिणामों के विवेचन के क्रम में व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों पक्षों का ध्यान रखा जाए। साथ ही इस संदर्भ में साधन साध्य का भी विवेचन किया जाए। साधन साध्य समझते हैं, साथ ही इस संदर्भ में साधन साध्य का भी विवेचन किया जाए। नेक्स्ट, अगला पॉइंट, निर्णय लेते समय स्वयं को उन लोगों के दृष्टिकोण से देखना चाहिए, उन लोगों के दृष्टिकोण से देखना चाहिए जिस पर अपने कर्म का प्रभाव पड़ता हो। गांधी जी का जंतर लिखवाया था मैंने, गांधी जी ने यही कहा था कि जब तुम्हारे ऊपर अहम हावी होने लग जाए और तुम निर्णय लेने में अपने आप को दुविधाग्रस्त पाओ तो तुम्हें क्या करना है, उस अंतिम व्यक्ति के बारे में सोचना है जिस व्यक्ति से आपके निर्णयों का कोई प्रभाव पड़े जिसका। ठीक है, तो निर्णय लेते समय स्वयं को उन लोगों के दृष्टिकोण से देखना है जिस पर अपने कर्मों का प्रभाव पड़ता हो। अगला पॉइंट, प्रत्येक विकल्प के कार्यों का मूल्यांकन होना चाहिए और फिर इन मूल्यों की तुलना करके यह देखना चाहिए, प्रत्येक विकल्प के कार्यों का मूल्यांकन होना चाहिए और फिर इन मूल्यों की तुलना करके देखना चाहिए कि किस कार्य का नैतिक मूल्य अधिक है, कि किस कार्य का नैतिक मूल्य अधिक है। इस क्रम में योग्य व्यक्तियों की सलाह भी ली जा सकती है, इस क्रम में योग्य व्यक्तियों की सलाह भी ली जा सकती है, उनकी कार्यप्रणाली का अनुसरण भी किया जा सकता है। इस क्रम में योग्य व्यक्तियों की सलाह भी ली जा सकती है, उनकी कार्यप्रणाली का अनुसरण भी किया जा सकता है। मान लीजिए आपकी क्लास में बहुत होशियार बच्चा है, सब कुछ अच्छा है, तो आप क्या करोगे, उससे सलाह लोगे कि बेटा ये सब्जेक्ट मेरा अच्छा नहीं है तो मैं कैसे बढ़िया बनाऊं, मैं कैसे अपने आप को इसे बेहतर बनाऊं, यानी जो आपके समकक्ष हैं, जो आपकी प्रतिस्पर्धा में हैं, उनकी बेहतरी को अपने अंदर ग्राह करना। ठीक है, अगला पॉइंट, विभिन्न विकल्पों के मूल्यों की परस्पर तुलना करने पर जो सर्वश्रेष्ठ विकल्प उभरता है, विभिन्न विकल्पों की मूल्यों की परस्पर तुलना करने पर जो सर्वश्रेष्ठ विकल्प उभरता है उसके पक्ष में निर्णय होना चाहिए, उसके पक्ष में निर्णय होना चाहिए। जब निर्णय को क्रियान्वित किया जाता है, अगला पॉइंट,
विभिन्न विकल्पों के मूल्यों की परस्पर तुलना करने पर जो सर्वश्रेष्ठ विकल्प उभरता है उसके पक्ष में निर्णय होना चाहिए। अगला पॉइंट, जब निर्णय को क्रियान्वित किया जाता है तो नैतिक परिस्थिति के कारण जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मान लीजिए आप हैं समुद्र में हैं, नाव में हैं, है ना, और नाव से कूद गए, नैतिक रूप से सही होगा कि गलत होगा? तैरना भी नहीं आता आपको, मान लीजिए आप स्टीमर पे जा रहे हैं घूमने और नाव में हैं और अचानक आप समुद्र में नाव में कूद गए, तैरना भी नहीं आता, नैतिक रूप से सही होगा गलत होगा? नाव में नहीं कूद गए, नाव से कूद गए, पानी पे कूद गए, मान लो नाव डूब रही हो, जो सिचुएशन आपको आएगी। टाइटैनिक में लोगों ने, जब पूरा टाइटैनिक डूबने लगा तो लोग कूदे भी उससे, भागे भी उससे, तो आपको सिचुएशंस देखनी है, सारा काम सिचुएशन ओरिएंटेड आपका होना चाहिए, क्लियर? जैसी परिस्थिति आएगी वैसी परिस्थिति पे आप उसी चीज को सही और गलत, एक परिस्थिति पे नाव से कूदना गलत है और एक परिस्थिति पे नाव से कूदना सही है, समझ रहे हैं मेरी बात, है ना? ठीक है, अगला है, विभिन्न विकल्पों के मूल्यों की परस्पर तुलना करने पर जो सर्वश्रेष्ठ विकल्प उभर कर आता है उसके पक्ष में निर्णय होना चाहिए। और अंतिम, जब निर्णय को क्रियान्वित किया जाता है तो नैतिक परिस्थिति के कारण उत्पन्न मानसिक उलझन की समाप्ति होती है। ठीक है, तो ये 6 चरण हैं जब नैतिकता के निर्धारण में हम चीजों को देखेंगे। अगला टॉपिक लिख लीजिए, मानवीय क्रियाकलापों में नैतिकता का परिणाम। ठीक है, ये कल पढ़ेंगे, कल देखेंगे कब कोई व्यक्ति जिम्मेदार होता है, कब कोई व्यक्ति जिम्मेदार नहीं होता है। ठीक है, प्रत्येक कर्म, जब हम कोई भी काम करते हैं तो कब हम नैतिकता के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, कल ये देखेंगे, और कल फिर मैं आपको हर क्षेत्र में जो आपके बहुत सारे क्रियाकलाप हैं उन क्रियाकलापों में कौन कौन से सकारात्मक परिणाम होते हैं, किन के नकारात्मक रिजल्ट होते हैं, ये लिख पाऊंगा पॉइंट बाय पॉइंट। कल ये हो जाएगा ख़त्म आपका ये पॉइंट। इसके बाद अगला है आपका नीति शास्त्र के आयाम। ये सब सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, ठीक, आराम से चल रहे हैं, जल्दबाजी तो नहीं किसी को चलने की, आराम से ठीक चल रहा है ना मामला? कोई ये सोच रहा हो कि भाई बहुत आराम से चल रहे हैं, तो मैं तो ऐसे ही चलता हूँ भाई, मेरे से बहुत ज़्यादा लंबी रेस नहीं हो पाएगी। जैसे जैसे चल रहे हैं आराम आराम से पढ़ते जाओ, चीज़ समझ में आनी चाहिए, यही इंपॉर्टेंट है ना।